ठीक है, तो टीपीए के हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। लगभग 200+ क्वेश्चंस हैं, चैप्टर वाइज हैं, तो हम इसको इसी सीक्वेंस में करेंगे। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी होंगे एंड कुछ डिफिकल्ट भी है, बट मोर और लेस अच्छे क्वेश्चंस हैं। कुछ बहुत सिंपल लगेंगे और जहां एक दो क्वेश्चन में ही गड़बड़ है, बाकी तो मैक्सिमम क्वेश्चन सारे ठीक ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और आंसर इसी में लिखे हुए हैं, बट आंसर को देखने से पहले एक बार ऑप्शंस को जरूर देखना। ठीक है, तो पहले ऐसा नहीं कि सीधा आंसर देख लिया, आंसर दे दिया, वो गड़बड़ ही होती है। तो बेटर है कि पहले आप इनको चारों ऑप्शंस को देखना, देन ओनली गिव एन आंसर। ओके, लेट अस स्टार्ट विद दी प्रिलिमिनरी, और जिसमें सेक्शन 1 to 4 कवर किए गए हैं। लगभग 40 इसमें क्वेश्चंस हैं। तो ट्रांसफर क्वेश्चन करते हैं। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट वॉज इनेक्टेड इन द ईयर ऑफ, आई एम श्योर आपको पता ही होगा सबको, इट इज इन 1882। ठीक है, द ट्रांसफर प्रॉपर्टी केम इन टू फोर्स ऑन कौन सी डेट पर आया था, ये क्वेश्चन आ सकता है। देखो कई जगह भी आया हुआ है, यूपी में आया हुआ है 2009, 2015, तो काफी जगह आया हुआ है, यू कैन सी दैट। सो इट इज इन दी मंथ ऑफ जुलाई, कब है डेट? July 1st, हाँ जी, फर्स्ट बोथ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट कवर्स दोनों को को कवर करती है। सर, इमूवेबल, अच्छा कवर्स बोथ बट इसमें डिफाइन। देखो कुछ सेक्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नंबर 2 में भी सेक्शन 5 to 38, 37 तक जो है वो मोवल इमोवेबल दोनों को कवर करती हैं, और रेस्ट तो यू कैन जस्ट कॉल इट इज कवरिंग बोथ मोवल इमोवेबल। तो आंसर वुड बी डी। नाउ बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, द ट्रांसफर इमोवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया वॉज गवर्न बाय, किस एक्ट से गवर्न होती थी टीपी प्रॉपर्टी? देखो इट कुड बी, इंटरेस्टिंग। ओके ये तो हमने पढ़ा ही था, प्रिंसिपल इंग्लिश लॉ एंड इक्विटी। और अगर हम देखो ये ब्रिटिश सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो सेल्स ऑफ गुड्स के लिए है, तो वहां पर वो कवर होता था। बट हाँ ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं इमोल प्रॉपर्टी की, टीपीए में कवर हो रहा है, तो प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लॉ एंड इक्विटी। नाउ विच विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 3 ऑफ टीपीए द इमोल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड, सिंपल सा क्वेश्चन है। इट विल नॉट बी इंक्लूडिंग स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, तो तीन चीजें कवर नहीं होती है। क्या टिम्बर ट्री कवर होता है? टिम्बर ट्री, हाँ जी यस, टिम्बर ट्री मूवेबल इमूवेबल, प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है? इमूवेबल टिम्बर ट्री होते हैं जो भी पेड़ कटने कटने लायक नहीं हुए हैं, छोटे पेड़ भी हो सकते हैं। एक केस कराया था ना मैंने आपको, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टैंडिंग टिम्बर एंड टिम्बर ट्री। शांता बाई केस। हाँ जी, शांताबाई का जो केस है उसमें छोटे पेड़ों का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, जब पेड़ लकड़ी के कटने लायक हो जाएंगे तभी उनको स्टैंडिंग टिम्बर कहलाया जाएगा वो। नाउ इमोल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड टिम्बर। अच्छा देखो यही वो क्वेश्चन आ गया, अभी इसका आंसर आप बताना मुझे क्या देंगे। इमोल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड टिम्बर, ये सही है या गलत है? फॉल्स, हाँ जी, डज नॉट इंक्लूड टिम्बर लिखा हुआ है यहाँ पे, टिम्बर ट्रू, टिम्बर ये किसके तुम रेफरेंस में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है स्टैंडिंग आपको टिम्बर। टिम्बर ट्री के रेफरेंस में, तो नहीं कवर होती है टिम्बर, स्टैंडिंग टिम्बर होना चाहिए था, पूरा लिखा होना चाहिए था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। ओके नाउ 7th देख लेते हैं। विच इज नॉट द इमोल प्रॉपर्टी, कौन सी इमोल प्रॉपर्टी नहीं है? लीज ऑफ लैंड, गोइंग क्रॉप्स, राइट ऑफ वे, अ लाइफ इंटरेस्ट इन द इनकम ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, कौन सा होगा? ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, इट इज मीन फॉर द कट। ठीक है, तो अल्टीमेट पर्पस क्या है ग्रोइंग क्रॉप्स का? कटेगी फसल, तो आंसर इज बी। नाउ अंडर द सेक्शन 3 ऑफ टीपीए 182, सॉरी 1882, द इमोल प्रॉपर्टी इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, तो तीनों चीज कवर होती है। इमोल प्रॉपर्टी नहीं है, सारी मॉल प्रॉपर्टी, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा, डी आंसर होगा। इन दी ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इमोल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करता है? बिल्डिंग, लैंड, पॉन्ड और स्टैंडिंग स्टैंडिंग टिम्बर, तो इसमें क्या कवर नहीं होगा? स्टैंडिंग टिम्बर, ठीक है स्टैंडिंग टिम्बर नहीं होगा, बाकी तो ये सारी बिल्डिंग कवर है, सेक्शन 3 में दे रखा है इमोल प्रॉपर्टी में, लैंड भी एंड द पॉन्ड, पॉन्ड इसलिए क्योंकि वो जमीन पे ही तो होगी पॉन्ड। सेक्शन क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 10, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉल प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, कौन सी मॉल प्रॉपर्टी नहीं है? लैंड बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, थिंग अटैच्ड टू अर्थ, स्टैंडिंग टिम्बर। आंसर इज वेरी सिंपल, स्टैंडिंग टिम्बर। देखो कुछ बहुत सिंपल है बट आगे इनका लेवल थोड़ा बढ़ता चला जाएगा क्योंकि तो शुरू के सेक्शन है भी तो सिंपल। अब ये देखो एक क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, द फॉलोइंग इज नॉट इमॉल प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सी इमॉल प्रॉपर्टी नहीं है? राइट ऑफ वे जमीन से जुड़ी हुई चीज है, राइट ऑफ वे यानी इजमेंट की बात कर रहा है, इमॉल प्रॉपर्टी हो गई। एंड राइट टू फिशिंग, फिशिंग क्या होता है? फिशरी राइट जो होते हैं, बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम दी लैंड है, जमीन से जुड़ा वहां पर कोई लेक होगी उसमें से फिश निकालने का अधिकार, तो ये हो गया इमॉल प्रॉपर्टी। राइट टू रिडम्पशन क्या होगा? मॉर्गेज से संबंधित है, ठीक है, जमीन से जुड़ी हुई चीज है। एंड देयरफॉर द ओनली रॉयल्टी इज लेफ्ट, तो रॉयल्टी विल नॉट बी अ इमॉल प्रॉपर्टी। क्लियर है? यस। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ दीज इज इमॉल प्रॉपर्टी एज पर द प्रोविजन ऑफ टीपीए? देखो आसान सा क्वेश्चन है, स्टैंडिंग टिम्बर मोबल प्रॉपर्टी, ग्रास मोबल प्रॉपर्टी, ग्रोइंग क्रॉप्स मोबल प्रॉपर्टी, फ्रूट बेयरिंग ट्रीज, इसमें हम क्या अप्लाई करते हैं, कौन सी फिलोसफी अप्लाई करते हैं? कोई थ्योरी वोरी है नहीं है? फ्रूट बेयरिंग ट्री जो होते कटने के लिए बनते हैं क्या वो? इट इज नॉट मीन टू बी कट, उसका हम इंजॉयमेंट लेते हैं जो फ्रूट्स होते हैं, तो वो कटने के लिए नहीं बना है, पर्पस। आई होप यू कैन रिकॉलिंग, याद आ रहा है पर्पस का क्या था उसमें? कुछ ऐसे ट्रीज होते हैं ना जिनका पर्पस कटना नहीं है, बट अगर हाँ फ्रूट बेयरिंग ट्री को भी हमने काटने के लिए पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो फिर वो कैसे हो जाएगा? इट कैन बी कंसिडर एज मोबल प्रॉपर्टी। ओके नाउ 13 बताइए, इमॉल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड, ये तो बार बार रिपीट हो रहा है, देखो कितनी बार आता है, ये आता ही है, डज नॉट इंक्लूड ऑल ऑफ द अबव, ये सारी मोबल प्रॉपर्टी है। एंड 14 अगर हम देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इमॉल प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सी मोबल प्रॉपर्टी नहीं है? सर्फेस ऑफ लैंड, रिवर्स ऑन द सर्फेस, स्टैंडिंग टिम्बर, वेरी इजी। कुछ इजी है, जल्दी हो रहे हैं इसलिए। 15, which of the following is, हाँ जी सर, इस क्वेश्चन में बोला कि नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो दैट मींस कि मूवेबल प्रॉपर्टी है। हाँ हाँ ठीक है, स्टैंडिंग टिम्बर मूवेबल हो गई ना। हाँ ठीक है, सॉरी सर, क्लियर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अच्छा ये बहुत बड़ी गलती होती है, 100% यहाँ गलतियां होती है, जहाँ पे सीधी बात तो लिखते नहीं, उल्टी घुमा के लिखते हैं, हम उसी में बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, मुझसे भी गलती होती है, कॉमन मिस्टेक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमॉल प्रॉपर्टी अंडर द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, कौन सी नहीं होगी? अब यहाँ थोड़े क्वेश्चन अच्छे हैं, इनको पढ़िए आप, बताइए आंसर बाद में देखना, वैसे तो दिख ही रहा होगा आपको आंसर, बट ट्राई टू अटेम्प्ट इट, लॉजिक लगाना, आंसर तो पता ही लग गया होगा आपको। देखो राइट ऑफ वर्शिप ये हमने किया था, हाँ वो मैंने हमने लिखवाया भी था कि कौन से मोबल होगी कौन से मोबल होगी, तो उसमें हमने लिखा था। देखो लिखने का तो चलो बाद में की बात है, हम देख भी लेते। देखो राइट टू कैच एंड कैरी फिश फ्रॉम द पॉन्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट पेंड्रे बोलते हैं ना, इंग्लिश डॉक्ट्रिन था, इंग्लिश का कॉन्सेप्ट था कि जमीन से होने वाला फायदा प्रॉफिट, तो अगर आप फिश को निकाल रहे हैं तो जमीन से जुड़ी हुई चीज है, पॉन्ड है, वहां पे लेक है, लेक में से निकालेंगे तो ये इमॉल प्रॉपर्टी का अधिकार होता है, डी। अगर हम लेक की बात करें, लेक जमीन से जुड़ी हुई है तो ये भी इमॉल प्रॉपर्टी हो गई। अ राइट ऑफ वर्शिप इज अ स्पेसिफिक टेम्पल, तो ये होता है, इसकी तो हमने बात करी नहीं थी, तो ये बच जाता है, फॉर द टाइमिंग होल्ड पे रखते हैं। अ डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्टगेज, मॉर्टगेज है जमीन से जुड़ी हुई चीज है, डेट। अच्छा इसमें भी मैंने आपको बताया था दो डिफरेंस है ना मॉर्टगेज को लेकर, अ डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्टगेज ऑफ इमॉल प्रॉपर्टी, ये जो चीज होती है सिक्योर्ड किया गया है डेट इमॉल प्रॉपर्टी, तो इट वुड बी अ इमॉल प्रॉपर्टी होगी, तो आंसर इज बी। ये क्वेश्चन आते हैं, बार बार आएंगे आपके, और देखो लेटेस्ट ये आया हुआ यूपी उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज में 2018 में। नाउ स्टैंडिंग टिम्बर अंडर द टीपीए आर, स्टैंडिंग टिम्बर क्या होता है? इमॉल प्रॉपर्टी ओनली सो लॉन्ग एज नॉट सेवर्ड फ्रॉम द अर्थ, जिसको जमीन से अलग नहीं किया गया है, अरे जमीन से अलग नहीं किया गया है तो फिर वो इमॉल प्रॉपर्टी कहलाएगी। इमॉल प्रॉपर्टी अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेवर फ्रॉम द अर्थ, अगर हाँ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता तो वो स्टैंडिंग टिम्बर कहलाती, नॉट इमॉल प्रॉपर्टी, इमॉल प्रॉपर्टी इफ वैल्यू एक्सीडिंग, ऐसी तो कोई बात है ही नहीं सो वाली।
पूरे टीपीए में कहीं नहीं लिखी। हाँ गिफ्ट वगैरह वाली बात लिखी हुई, तो ऐसा कुछ है नहीं। 100 रुपीज वाली बात, हाँ रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की गई है। तो स्टैंडिंग टिम्बर के लिए कौन सा है? स्टैंडिंग टिम्बर इज नॉट इमोवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी ही होगी। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। इजी है वैसे, कोई डिफिकल्टी नहीं है। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट एज इमोवेबल प्रॉपर्टी? हैज नॉट लिखा है, ठीक है, ये ध्यान रखना, हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड, कौन सा रिकॉग्नाइज नहीं किया है? राइट ऑफ वे, ईजमेंट राइट, इट इज इमोवेबल प्रॉपर्टी है। राइट टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम इमोवेबल प्रॉपर्टी, ये वो हो गया प्रॉफिट, प्रॉफिट आ रहा है कहां से? इमोवेबल प्रॉपर्टी से, तो ये भी इमोवेबल प्रॉपर्टी होगा। राइट टू वर्शिप, फिशरी वाला बताया मैंने अभी, किसी पॉन्ड में से फिश निकालने का अधिकार इमोवेबल प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, तो राइट ऑफ वर्शिप, पूजा करने का जो अधिकार है, दैट इज इमोवेबल, इसको इमोवेबल में टीवी में कवर नहीं किया गया है। नाउ 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमोवेबल प्रॉपर्टी? कॉपीराइट मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, रॉयल्टी मूवेबल, क्रेडिट इज इमोवेबल, प्रॉफिट अपेंड्री, ठीक है, ये है वो, देखो जो उसको मैं बोल रहा था, बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम लैंड, जमीन से जो जुड़े हुई चीज है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमोवेबल प्रॉपर्टी, कौन सी इमोवेबल प्रॉपर्टी नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमोवेबल प्रॉपर्टी? फेरी, फेरी कैसा राइट है, मूवेबल इमोवेबल? इमोवेबल होगा, इमोवेबल। डिग्री विच गिव्स राइट सेल द इमोवेबल प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड की प्रॉपर्टी को बेचने का अधिकार, ये क्या होगा? मूवेबल प्रॉपर्टी है सही है। पहले औरों को भी पढ़ लेते हैं। लाइफ इंटरेस्ट ऑफ विडो इन इनकम ऑफ द इमोवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द लैंड ऑफ हर हस्बैंड, प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड, हस्बैंड की प्रॉपर्टी में से विडो को मेंटेनेंस या तो कुछ पैसा आता है, लाइफ इंटरेस्ट क्रिएटेड है उसमें, इमोवेबल राइट हो गया। राइट टू रिसीव एनुअल पेमेंट फ्रॉम द एनी विलेज, गांव से एनुअल पेमेंट आती है, दैट कैन ऑल्सो बी कंसिडर एज अ, तो थोड़ा सा डाउट अगर आपको आ सकता है तो बी या सी डी में आ सकता है। तो अल्टीमेटली अ डिग्री विच गिव्स राइट, ठीक है, डिग्री जो है, डिग्री कैन बी डिस्पो, उसको बेचा भी जा सकता है, सेल भी कह सकता है, तो वहां पर उसको इसलिए कंसिडर किया गया, डिग्री विच गिव राइट टू सेल द मॉल प्रॉपर्टी ऑफ द हस्बैंड, इट वुड बी अ मूवेबल राइट, मूवेबल प्रॉपर्टी के लाएगी। ठीक है, Which of the following are immovable property under the Transfer Property Act? Select the correct answer by using the code below. ठीक है, इसमें कोड देखने में से कौन कौन सी immovable प्रॉपर्टी होगी, बताइए आप लोग। चलो आंसर नहीं देखिए, आंसर देख तो लिया है वैसे आपने, बताइए फिर भी क्या क्या होगा। हाँ जी, हर्ट क्या है, हर्ट मूवेबल है इमूवेबल है? हर्ट मूवेबल है इमूवेबल है? झोपड़ी गंगा जी में जाके अगर हट लगा ली तो हम परमानेंट बसने थोड़ी ना गए हैं, गड़गंगा जाते हैं ना लोग कुछ दिन के लिए, वहां झोपड़ी सी लगा लेते हैं, वहां रहते हैं, तो इट मे नॉट बी फॉर द परमानेंट एंजॉयमेंट, तो उस सिक्वेंस में लेकिन पूरी बात नहीं लिखी ना, अगर पूरी लिखी होती तो हम समझ जाते। तो हर्ट इमोवेबल प्रॉपर्टी होगी, मॉर्गेज डेट्स इमोवेबल प्रॉपर्टी होगी, इक्विटी ऑफ रिडम्पशन भी क्या होगा, रिडम्पशन क्या होता है, मॉर्गेज जब होता है तो उसको रिडीम किया जाना, ये भी प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई राइट है, और राइट टू रिकवर मेंटेनेंस अलाउंस चार्ज ऑन इमोवेबल प्रॉपर्टी, ये भी हमारा इमोवेबल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल से तो चारों होना चाहिए, लेट्स सी ऑप्शन बी, ये नहीं है। राइट टू रिकवर मेंटेनेंस अलाउंस चार्ज ऑन इमोवेबल प्रॉपर्टी, राइट टू रिकवर मेंटेनेंस अलाउंस, मेंटेनेंस चार्ज ऑन इमोवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, एक बार देख लेंगे इसको, क्रॉस चेक कर लेंगे, साइड में लिख लेना इसको, बाकी तीनों तो ठीक है। ये फोर्थ पॉइंट जो है, राइट टू रिकवर मेंटेनेंस अलाउंस चार्ज ऑन इमोवेबल प्रॉपर्टी, विल सी टू इट Why it is not a immovable property? ठीक है, इसको देख लेंगे एक बार। Now 21,
test to decide whether something attests to the earth has to be regarded as immovable or not depend upon any of the following. अब ये test हमने पढ़े थे, कितने test पढ़े थे हमने? Two test. कौन कौन से थे? Degree और mode of annexation, कि कौन सी चीज अपने किस तरीके से वो जुड़ी है, अपने ही resting on his own weight, याद है ये भूल गए? Yes sir. और place of annexation तो हमने कुछ ऐसा पढ़ा ही नहीं था, ये तो हो ही नहीं सकता. ऑब्जेक्ट ऑफ एनेक्सेशन याद आ रहा है? इसमें हमने क्या पढ़ा था? पर्पस, किस चीज के लिए हमने उसको चीज लगाई गई है. तो आंसर इसका है डी, दोनों होंगे, बी नहीं है. प्लेस ऑफ एनेक्सेशन जैसा कुछ नहीं है टीपीए में. नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी इंस्ट्रूमेंट मीन्स, ये क्वेश्चन भी बताया था आपको, बताओ इसका आंसर. नॉन टेस्टामेंटरी कौन से होते हैं? हाँ जी, हाँ जी, विल नहीं है. विल कवर होती है क्या इसमें? नहीं होती है. टेस्टामेंट्री होता है जैसे कोई अपना वसीयत बना के मरता है, तो टेस्टामेंट्री. नॉन टेस्टामेंट्री बिटवीन द लिविंग पर्सन. आंसर इज बी. नाउ हाँ जी सर, अब जब कॉल अप कर रहे हैं ना तो आंसर मतलब छुपा दीजिए क्योंकि नजर जा रही है उन पर. कोई बात नहीं, देखो छुपेंगे नहीं, हमारा है. अभी आंसर देखने से आपको बहुत जल्दी क्विकली रिमाइंड भी हो जाएंगे. हम तो बाहर में आपको जैसे 23 क्वेश्चन है, अभी अगर आप इसे नीचे करें और आंसर अभी. हाँ, चलो ठीक है, मैं ऐसे करूं. चलो बताइए, अटेस्टेड इन रिलेशन टू एन इंस्ट्रूमेंट मींस एंड शैल बी डीम्ड ऑलवेज टू हैव मींस अटेस्टेड बाय. कितने लोग अटेस्ट करेंगे? कम से कम दो. चलो मैं दिखाऊंगा नहीं आपको आंसर. चलो बताइए इसका आंसर. द अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट मीन्स अटेस्टिंग विटनेस अवेयर ऑफ द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट. अरे उसको पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए अटेस्टिंग विटनेस को डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है कंटेंट? यस और नो? नहीं, हमें मतलब नहीं है उससे. अटेस्टिंग विटनेस को मतलब नहीं होता. द अटेस्टिंग विटनेस सीन द एग्जीक्यूटिंग साइन. हाँ, देखना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, बी तो है. रिसीव फ्रॉम द एग्जीक्यूटिंग पर्सन एक्नॉलेजमेंट ऑफ सिग्नेचर, ये भी पॉसिबल है. अब लेकिन डी पढ़ लो एक बार, क्या कहता है? बोथ द अटेस्टिंग विटनेस सीन द एग्जीक्यूटिंग साइन और फिक्स मार्क्स रिसीव फ्रॉम द एग्जीक्यूट. ये बहुत सारी चीजों को कवर कर रहा है, तो आंसर डी होना चाहिए वैसे. Yes, sir. देख लेते हैं, क्योंकि ज्यादा चीजों को कवर कर लिया इसने, ऊपर की दोनों बातें भी कवर कर ली है, डी. ठीक है, चलो 25th बताइए. एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इज अटेस्टेड वैलिडली विल. हाँ जी बताइए क्या होगा आंसर. An instrument of transfer is attested validly where executant signed the instrument in the presence of his family member. अरे family member के सामने थोड़े sign करने पड़ते हैं. A person is signed as a witness to the fact of writing of instrument in his presence. A person who has seen executant signing the instrument put his own signature as a witness. Instrument is signed by two witnesses who have seen executant signing the same and who sign. यही बड़ी बात ज्यादा लग रही चीजों को कवर कर रहा है, तो आंसर डी होना चाहिए. Yes, sir. कई बार क्या होता है ना, ऑप्शन में एक चीज देख लेना, जो बड़े होते हैं ना उनमें सारी चीज अगर कवर हो रही है तो उसको ही मार्क करना, क्योंकि हमें बेस्ट आंसर देना होता है. ठीक है, नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द टीपी डिफाइंस नोटिस. अरे ये तो चलो आसान सा है, नोटिस बता दो कहाँ दे रखा है. सेक्शन बी. अच्छा, कितने तरीके की नोटिस की बात की गई है? एक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव. ओके, एक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव. एक और वर्ड यूज हुआ था, इंप्यूटेड नोटिस. आई होप यू कैन रिमेम्बर व्हाट इज इंप्यूटेड नोटिस. व्हेन इट इज गिवन टू एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल, इट इज डीम्ड दैट इट इज गिवन टू द प्रिंसिपल. हां जी, एजेंट को नोटिस मान लिया जाएगा, प्रिंसिपल को नोटिस है, तो इंप्यूटेड नोटिस भी है. वैसे तो बेसिकली दो ही तरीके के हैं. अंडर द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, अ पर्सन इज सेड टू हैव नोटिस ऑफ द फैक्ट व्हेन. कब माना जाएगा उसको नोटिस मिल गया है? व्हेन ही एक्चुअली नोज द फैक्ट, उसे पता चल गया फैक्ट के बारे में. मे हैव नोन अबाउट द फैक्ट, कुड विद रीजनेबल केयर नोन द फैक्ट, इट्स नॉट एट ऑल अवेयर अबाउट द फैक्ट. देखो एक बात समझो, चलो बताओ इसका आंसर क्या, कब माना जाएगा नोटिस मिल गया है? तो आंसर इसके नहीं है, तो फिर ए होगा आंसर. इसका आंसर
वैसे आंसर तो देखो दो, ए भी ठीक है, बी भी और सी भी ठीक है, कुड बी रीजनेबल के नोन द फैक्ट्स, बट अगर हम इसका आंसर में बेस्ट लगाना होता है तो इसका आंसर होगा फिर ए, अदरवाइज का सी भी आंसर होता तो कुड बी रीजनेबल के नोन द फैक्ट। अरे अब पता है ना इसको, तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस कवर कर रहा है ना ये सी। हाँ जी सी ऑप्शन तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस को कवर कर रहा है, लेकिन हमें आंसर देना बेस्ट, तो इसलिए ये होगा, ये आंसर है। ठीक है ओके। ट्रांसफर प्रॉपर्टी डज नॉट, 28 पढ़ रहा हूं मैं, डज नॉट कंटेम्पलेट, कितने तरीके की नोटिस की बात की गई है, डज नॉट कंटेम्पलेट एक्चुअल नोटिस, इम्प्लाइड नोटिस, नोटिस इन ट्रांजेक्शन, इम्प्यूटेड नोटिस, इनमें से कौन सा नहीं है? नोटिस इन ट्रांजेक्शन पढ़ा ही नहीं हमने, क्या है, तीन ही चीजें पढ़ी थी। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कौन सा कंस्ट्रक्टिव नोटिस नहीं है? ग्रॉस नेग्लिजेंट कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है, नहीं होता है, लापरवाह हो अगर आप। यस सर। अरे कौन सा केस पढ़ा था, बैंक वाला पढ़ा था, इसमें लॉर्ड स्मिथ, लॉर्ड लॉर्ड वाला। ओके और रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन है तो भाई जाके देख लो, नोटिस होता है अपने आप में, एक्चुअल पोजीशन में तब भी आप चीज खरीद रहे हैं, तो आंसर डेफिनेट नॉलेज होगा, डी आंसर। ओके नाउ ये बताइए, चलो सिंपल सा है भी, प्रॉपर्टी इज कॉम्प्रिहेंसिव टर्म एंड इंक्लूड्स कॉपीराइट, सही है गलत है? प्रॉपर्टी यस सर, मूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ ठीक है, देखो एक बात तो ठीक कर रहे हैं, इमूवेबल नहीं लिखा, अगर यहाँ पे इमूवेबल लिखा होता तो बात अलग हो जाती, यहाँ कह रहा है सिर्फ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी तो कॉपीराइट भी होता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ट्रांसफर प्रॉपर्टी डील्स विद ऑल काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग, ये इंक्लूडिंग थोड़ी ना है, एक्सक्लूड है, तो ए तो ठीक है लेकिन बी गलत है, अब है कोई ऑप्शन ऐसा? दोनों ठीक है गलत, ए एंड बी तो नहीं, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, आंसर शुड बी सी होना चाहिए, चलो सी है। अब आप लोग पेटेंट कवर नहीं होता, पेटेंट कवर नहीं होता, पेटेंट तो ये आपका, इसके लिए हमारे पास अलग लॉज है ना, तो प्रॉपर्टी तो है लेकिन ट्रांसफर प्रॉपर्टी में नहीं आएगा ये, हमने पढ़ा भी तो था ही एक जगह, ये सर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा था कि दे आर कंसीडर्ड एज गुड्स। चलो अब बताइए मुझे जरा ये, अब आप पढ़िए, देखो मैं पढ़ रहा हूँ तो कुछ का कोई फायदा नहीं हो रहा है, पेपर आपको देना है, पढ़िए जरा जल्दी, चैप्टर इन द सेक्शन ऑफ पीपीए, यामिनी आप पढ़िए चलो। द चैप्टर्स एंड सेक्शंस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट व्हिच रिलेट टू कॉन्ट्रैक्ट शैल बी टेकन एज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज एंड सप्लीमेंटेड टू द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, द रजिस्ट्रेशन एक्ट, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, द पार्टीशन एक्ट। तो कौन सा एक्ट में हेल्प लेते हैं? टीपीए को जब पूरा ढंग से समझना है तो हम स्पेसिफिक रिलीफ देखेंगे, नहीं पार्टीशन एक्ट का, तो पार्टीशन एक्ट तो है ही नहीं कोई, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नहीं, हम ये देखते हैं रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन में कौन सा एक्ट देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, आंसर इज बी। नाउ ट्रांसफर प्रॉपर्टी हैज नो रिलेशन विद, किससे संबंधित नहीं है, हवा पानी और लाइट, किससे संबंध है, क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा है टीपी में? कुछ भी नहीं पढ़ा, बी आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, बताइए, इमोल प्रॉपर्टी कहाँ दे रखा है, थ्री में दे रखा है, यही गलत है वैसे तो, चार ठीक है, मार्शलिंग बाय सबसिक्वेंट परचेज ये ठीक है, मॉर्गेज डेट्स का सेक्शन याद नहीं है, बट हाँ देखो गलती तो यही लग रही है ना, ये तीन सेक्शन है होना चाहिए, सेक्शन थ्री होना चाहिए, तो आंसर इज ए। 34 पढ़िए, द अमेंडमेंट ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इन द ईयर 2002, चलो अमेंडमेंट का है, इफेक्टिव फ्रॉम कौन सी डेट से हुआ ये, चलो आपको आंसर दिख ही गया इसका, 31st 2002। Now, Chapter 2 of the TPA shall not be deemed to affect any rule of. चलो ये बताओ ये किस पे अप्लाई नहीं होगा? Chapter 2.
मोमडन क्रिश्चियन ये हमने पढ़ा भी है, सेक्शन टू में ही लिखा है, सेक्शन टू में लिखा है ना ये, तो इसमें मुस्लिम के ऊपर बात करी हुई, मुस्लिम पे अप्लाई नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, रूल अगेंस्ट परपेचुटी मुस्लिम पे अप्लाई होगा नहीं होगा? एप्लीकेबल है, यस सर होगा। अच्छा रूल अगेंस्ट परपेचुटी होगा, सोच लीजिए थोड़ा और। सर हमने कुछ ऐसी केस लॉज भी कहते हैं ना जो टीपीए तो गवर्न नहीं कर रहा है लेकिन स्टिल उसके प्रोविजन से वो अप्लाई हो रहे हैं। चलो आगे दिखाऊंगा, शायद इसमें क्वेश्चन होगा। द प्रॉपर्टी वर्ड इज डिफाइंड इन द सेक्शन ऑफ द टीपीए, कहाँ डिफाइन है प्रॉपर्टी? ट्रांसफर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफर प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। डी डी थ्री में डिफाइन है ना सर, प्रॉपर्टी वर्ड तो डिफाइन नहीं किया ना। नहीं 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 ये इसकी बात कर रहा है, द प्रॉपर्टी वर्ड इज डिफाइंड इन सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी होना चाहिए, सॉरी। ठीक है ना, नॉर्मल हो गया। ठीक है मुझे लगा ये वाला है, सेक्शन फाइव पे आ गए हम, क्योंकि सीक्वेंस में तो सेक्शन फाइव ही आ रहा था। नन ऑफ द अबव कहीं डिफाइन नहीं है, इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है प्रॉपर्टी के डेफिनेशन को देखने के लिए? कौन से सेक्शन देखने पड़ेंगे? जनरल क्लॉजेस एक्ट, सेक्शन बताओ पूरा। 236 तो अरे सेक्शन थ्री का 26 का, 26 जनरल क्लॉज एक्ट देखना पड़ेगा, ठीक है वहां से लिए ना हमने। और रजिस्ट्रेशन एक्ट देखना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन का एक्ट का कौन सा सेक्शन है? 26 का 9 है क्या? सर 2 सबसेक्शन 6 या सब क्लॉज 6, सबसेक्शन 6 है या 9 है सर? 6 चलो वो चेक कर लेना, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इट, बट हमें और जगह से डेफिनेशन लेनी पड़ती है। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेड मोड ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी इज नॉट कवर्ड बाय टीपीए? सेल भी है, मॉर्गेज भी है, और देख लेते हैं क्या है, एक्सचेंज भी है, तो ये बच गया, ये तो आसान सही है, टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशन नहीं होता। ट्रांसफर प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल टू व्हाट? आसान है, किस पे अप्लाई नहीं होगा? सेल ऑफ गुड्स पे नहीं होगा, उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है। Now, which of the following do not convey title? को किस में टाइटल नहीं जाता है? Do not convey title. Exchange में क्या है? Absolute right transfer हो रहा है या limited? Absolute होता है, इसमें भी absolute होता है, इसमें भी absolute होता है, will बच गया, will में तो बाद में आप probate कराएंगे तब जाके टाइटल convey होगा, पता है ना, will को probate करानी पड़ती है। Yes, sir. बी आंसर इज बी। चलो पार्टीशन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी इज इन एक्सचेंज है, गिफ्ट है, ट्रांसफर है, कुछ भी नहीं है? नॉन ऑफ द अबव। अच्छा फैमिली सेटलमेंट? नो सर। और रिलीज डीड? यस इट इज अ ट्रांसफर। रिलीज को कहा था, रिलिंक्विश नहीं है, ठीक है, रिलिंक्विश और रिलीज में डिफरेंस है, ठीक है। तो रिलीज कहीं केस में कहा था ना कि वो ट्रांसफर माना जाना चाहिए, बड़ा रिलिंक्विश नहीं होगा। सरेंडर इज नॉट अ ट्रांसफर, हाउएवर द रिलीज इज अ ट्रांसफर, बिकॉज़ व्हेन यू आर रिलीजिंग द प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ समबडी इज गेटिंग अ सर्टेन, कुछ चीज उसको मिल रही है, ट्रांसफर हो रही है प्रॉपर्टी। ओके नाउ ट्रांसफर, अब यहां से थोड़े अच्छे क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर टू की तरफ हम बढ़ गए हैं। 5 to 33A कौन सा चैप्टर? नंबर 2 है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज। तो चलो ये करते हैं, टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन 5 to 37 डील, ये किससे डील करता है 5 और 37 मूवेबल इमूवेबल? बोथ बोथ, दोनों से डील करता है, सी आंसर होगा। चलो बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द टीपीए डिफाइंस ट्रांसफर प्रॉपर्टी, कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 5 में है, ठीक है, सेक्शन 5। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट गवर्न्स ट्रांसफर लिविंग पर्सन, लिविंग पर्सन को कवर करता है, एंड ट्रांसफर बाय वन
बिटवीन लिविंग पर्सन एंड ट्रांसफर बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, नहीं ऑर्डर ऑफ द कोर्ट तो कवर नहीं करता, तो यही है आंसर इसका, बिटवीन द लिविंग पर्सन ट्रांसफर ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है आंसर इज ए, एक सेकेंड आंसर इज ए बिटवीन द लिविंग पर्सन. ओके अंडर टीपीए अ लिविंग पर्सन मीन्स क्या होता है, लिविंग पर्सन का मतलब ह्यूमन बीइंग ओनली होगा, लिमिटेड कंपनी ओनली, पार्टनरशिप ओनली, या सारे होंगे, बताइए आंसर. सर ऑल तो डी, आंसर इज डी. अच्छा मूर्तियों को जो ट्रांसफर होता है, जैसे आइडियल होता है, आइडियल कैन इट बी ट्रांसफर्ड थ्रू टीपीए, क्या लिविंग पर्सन माना है हमने उन्हें? नो सर, नहीं माना, ठीक है, बट वही उसका एक्सेप्शन है, अदरवाइज कुछ नहीं है. तो टीपीए अप्लाइज टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मेड बाय द पार्टीज, एक्ट ऑफ द पार्टीज, ऑपरेशन ऑफ लॉ, डिक्री ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, कौन सा है आंसर? तो उसका सिंपल सही है, बाय द एक्ट ऑफ पार्टी होना चाहिए. नाउ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफर बाय एन एक्ट ऑफ द पार्टी, कौन सा एक्ट ऑफ द पार्टी नहीं है? सक्सेशन नहीं होता है, इजी क्वेश्चन है. सक्सेशन तो मरने के बाद चलेगा ना आदमी के, कोई भी इंसान के. आंसर इज ए. नाउ अंडर सेक्शन 5 ऑफ टीपीए एक्ट लिविंग पर्सन इंक्लूड्स, कौन कौन इंक्लूड है लिविंग पर्सन में? इंडिविजुअल ह्यूमन बींग ओनली, कंपनी ओनली, कंपनी और एसोसिएशन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, नन ऑफ द अबव. व्हाट कैन बी द आंसर? सी आंसर होगा, इसका स्कोप ज्यादा है. सी, ट्रांसफर प्रॉपर्टी मीन्स ट्रांसफर बिटवीन लिविंग पर्सन, ट्रांसफर बिटवीन लिविंग पर्सन एंड ट्रस्ट, ट्रांसफर बिटवीन लिविंग पर्सन, लीगल पर्सन, बताइए क्या आंसर होगा? डी. ठीक है, ट्रस्ट को भी ट्रांसफर कर सकते हैं ना, ट्रस्ट को ट्रांसफर कब करते हैं हम? डिफरेंट कैपेसिटी. हाँ जी, डिफरेंट कैपेसिटी, यानी वो इंसान अपने आप को जब ट्रांसफर करता है ना, तो लिविंग पर्सन हिमसेल्फ वाला वर्ड जो याद है भूल गए, हिमसेल्फ वो अपने लिए ट्रस्ट बना लेता है, तो उसको ट्रांसफर करता है, तो डी आंसर होगा इसका. इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी अंडर ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन से सही नहीं है? ट्रांसफर कैन बी डन इमीडिएटली और इन फ्यूचर, ट्रांसफर प्रॉपर्टी कैन बी डन ऑन वन और मोर लिविंग पर्सन, वन कैन नॉट ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू वन सेल्फ, बताइए क्या लिखा है, कौन सी सही नहीं है, ये ध्यान रखना है. तो यहाँ पे भी अभी तो ऊपर बताया मैंने कि एक इंसान अपने आप को भी ट्रांसफर कर सकता है व्हाइल वो क्रिएटिंग अ ट्रस्ट इन अ डिफरेंट कैपेसिटी. सी आंसर. विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज. अरे आसान सा है, तो कौन सा है? Abandonment of the claim, ठीक है, D answer is. GPA does not include, क्या include नहीं करता है? Easy है तो देख लिया आपने answer, आता ही है सबको. Sale, lease, gift, will को include नहीं करता है. Okay, which is not covered by the term transfer of property, कौन सी चीज cover नहीं की गई है? गिफ्ट भी एक्सचेंज के लिए फैमिली सेटलमेंट नहीं होता, ठीक है. जहां डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे ना वहां मैं आंसर छुपा लूंगा, डोंट वरी, आसान से क्वेश्चन है. तो फैमिली सेटलमेंट यू कैन अंडरस्टैंड देयर इज नो ट्रांसफर, को ट्रांसफर ही नहीं होता, आपस में लोगों ने फैमिली सेटलमेंट किया है. अंडर द टीपीए द एक्सप्रेशन ट्रांसफर प्रॉपर्टी इंक्लूड्स नन ऑफ दीज, पार्टीशन भी इंक्लूड नहीं होता, फैमिली अरेंजमेंट भी नहीं है, सरेंडर भी नहीं है. रिलीज डीड आएगा तो आंसर लिख देना, यस रिलीज डीड, रिलीज करना. तो आंसर इज डी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द टर्म लिविंग पर्सन अंडर सेक्शन 5, कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ऑल ऑफ द अबव, सब आ जाएंगे. ठीक है, समझ में आ रही है? वैसे तो इजी है. नाउ टर्म ट्रांसफर अंडर टीपीए रेफर्स टू, चलो ये बताइए इसका आंसर. कॉन्टिजेंट ट्रांसफर नहीं होता क्या?
नो सर फ्यूचर सेक्शन 21 क्या है कॉन्टिजेंट वेस्टेड इंटरेस्ट ठीक है कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट है सेक्शन 7 में पढ़ा था ना उसमें पार्टली और होली वर्ड्स एंड एप्लीकेशन हां ये सेक्शन 7 के रेफरेंस में पूछा गया है यहां पे आप कंफ्यूज इस चीज से हो सकते हैं कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट लिखा होता तो वो ठीक होता क्योंकि सेक्शन 21 आ जाता फिर एप्लीकेशन में ठीक है तो आंसर होगा फिर इसका डी होगा ठीक है पार्टली ट्रांसफर कर सकता है होली ट्रांसफर कर सकता है एब्सोल्यूट ट्रांसफर कर सकता है या कंडीशनल ट्रांसफर कर सकता है बट कंडीशन कैसी होनी चाहिए Reasonable. अच्छा कंडीशनल ट्रांसफर कहाँ दे रखा है सेक्शन कंडीशनल ट्रांसफर तो 21 तो 25 में दे रखा है ना अरे कंडीशनल ट्रांसफर है नहीं क्या 25 में सर इसका डी क्यों होगा सर कंडीशनल क्यों नहीं उसमें हम कर रहे हैं कंटिजेंट इंटरेस्ट इंटरेस्ट लिखा होता तो बात होती ना इंटरेस्ट क्रिएट होता वो और वेस्टेजेंट इंटरेस्ट कंटिजेंट इंटरेस्ट ट्रांसफर लिखा है तो यही तो गड़बड़ होती है उनसे ठीक है और ये जो ये बात कर रहा है ना आप ये देखना आप लॉजिक भी लगा के देखना किस सेक्शन के बारे में बात कर रहा है कौन से सेक्शन के बारे में बात कर रहा है सेक्शन 7 की अगर आप लाइन देखोगे ना वहां लिखा है ना होली और पार्टली एंड इधर एब्सोल्युटली और कंडीशनली वहां लिखा ही नहीं कंटिजेंट तो आपको ये भी आइडिया लगाना पड़ेगा कि किस सेक्शन से क्वेश्चन आया है ठीक है जैसे मैं भी कंफ्यूज हो गया था कॉन्टिजेंट को देखकर बट अल्टीमेटली अगर आपको सेक्शन पता है किसके बारे में रेफरेंस में क्वेश्चन पूछा गया है सेक्शन के तो यू कैन आंसर इट ओके नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी कौन सा ठीक नहीं है It means an act by which a living person conveys property. He conveys property in the present and the future. He conveys property to one or two more other living person. He cannot transfer property to himself and one or more thing living. कौन सा गलत है इसमें से? D. D गलत है. अरे अपने आप को भी कर सकता है. Trust create कर लेगा. Different capacity में कर सकता है. Now which one of the following would be considered as a TP a transfer property माना जाएगा under TP Act के तहत? Select the answer by using the code given below. चलो बताइए ढूंढिए कौन कौन से ठीक है इसमें एक्सचेंज क्या है होता है टीपीए में कवर होगा नहीं होगा एक्सचेंज ऑफ टू थिंग्स बिल्कुल होगा फैमिली सेटलमेंट होगा नो सर नहीं होगा क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन इमोल प्रॉपर्टी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होगा नहीं होगा क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑफ इमोल प्रॉपर्टी ठीक है 100 में हो सकता है ये एक बार देखते हैं ग्रांट ऑफ एन इजमेंट्री राइट और वे ऑफ राइट ऑफ वे ओवर अ पीस ऑफ लैंड क्या इजमेंट्री राइट दे सकते हैं हम क्या नहीं दे सकते पूरा होगा ना डोमिनेंट हेरिटेज के साथ जाएगा इजमेंट पूरी प्रॉपर्टी जाएगी तो उसके साथ इजमेंट जाएगा तो आंसर होना चाहिए वैसे 2 और 4 होना चाहिए ठीक है 2 और 4 देखते हैं आंसर क्या है इसमें डी है डी क्या है 2 और 4 चलो ठीक है ठीक है क्लियर है ये सेक्शन 17 क्वेश्चन 18 देखते हैं ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट इज रिलेट टू व्हाट सेक्शन 6 किससे रिलेट करता है ये तो आता होगा हू मे ट्रांसफर व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड व्हाट मे बी ट्रांसफर लिखा व्हाट मे बी ट्रांसफर है लेकिन अंदर कुछ और ही लिखा है कितने एक्सेप्शन है इसके 11 और 10 शायद 9 थे पहले उसमें बाद में एक ऐड हुआ कौन सा ऐड हुआ था डीडी कौन से ईयर में आया था 1929 हाँ जी भाई यही याद रखना है ठीक है सेक्शन 6 में है व्हाट मे बी ट्रांसपोर्ट ओके द प्रॉपर्टी ऑफ द व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द टीपीए प्रोवाइड दैट द मेयर राइट टू सू कैन नॉट बी ट्रांसपोर्ट Section 6, easy. Chance of an heir apparent succeeding to an estate cannot be transferred. Chance of heir apparent क्या होता है? Chance of heir apparent होता क्या है? That's the question. Hope of succession. क्या उसको transfer किया जा सकता है?
नहीं किया जा सकता। कौन से सेक्शन में है? ये तो इजी है, सेक्शन सिक्स। हाउ मेनी एक्सेप्शंस आर मेंशन अंडर सेक्शन सिक्स? कितने होंगे? हाँ जी 10 होने चाहिए। अब पहले 9 थे, अब 10 होने चाहिए। सी दे रखा है, चलो ठीक है, नहीं तो 9 भी लिख सकते थे गलती से। एक्सप्रेशन स्पेस सक्सेशन इज मीन्स नो चांस ऑफ सक्सेशन, क्या होगा आंसर? या होप ऑफ सक्सेशन होगा? चलो बता ही दोगे आप लोग, होप ऑफ सक्सेशन। विच इंटरेस्ट इज नॉट ट्रांसफरेबल? कॉन्टीजेंट, वेस्टेड, मे, स्पेस सक्सेशन इज सी ही होगा। क्या जा सकता है ट्रांसफर? सेक्शन सिक्स में लिखा ये होगा ही नहीं ट्रांसफर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? ईस्टमैन कैन बी ट्रांसफर अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज, ठीक है गलत है? बिल्कुल गलत, क्योंकि ये डोमिनेंट हेरिटेज के साथ ही तो जाएगी संपत्ति। ईस्टमैन का राइट भी गलत। ओके आगे देखते हैं। मेयर राइट टू सू, मेयर राइट टू सू कैन नॉट बी ट्रांसफर, ये गलत है? सही है? करेक्ट सर, सही सही है सर। क्यों सही है? रीजन क्या है? राइट टू सू ट्रांसफर हो सकता है क्या? अरे नहीं होता ट्रांसफर। लेकिन इस ये आंसर इसमें पहले और पढ़ लेते फिर मैं बताता हूँ। राइट टू सू ट्रांसफर होगा? अरे साफ साफ लिखा सेक्शन सिक्स में, नहीं हो सकता। आपने आंसर देख के मत बोलिए, सी पढ़िए। राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस ट्रांसफर होगा? नहीं होगा। द सैलरी ऑफ अ पब्लिक ऑफिसर ट्रांसफर होगी? नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं है वैसे, और ए भी नहीं है, चारों में नहीं है यहाँ पर। लेकिन ये इन्होंने क्वेश्चन जो है ना टेक्निकल बना रखा है। अब आपने पढ़ा होगा, आपने बी क्यों आंसर दिया? पहले आप मुझे बताइए। So, उसमें ई ये दिया है ना। राइट टू सू है, इसके एक्सेप्शन तो एक्सनेबल क्लेम है ना। हाँ जी, अब आंसर मिला लॉजिक। राइट टू सू इज नॉट ट्रांसफरेबल। अरे मेरे पे मुकदमा हुआ है ना, मेरे को मुकदमा करना है ना, मैं कैसे किसी और को कह दूं कि मेरा मेरी बदनामी हुई है, डिफेम मैं हुआ, मैं केस का फाइल करूंगा? या कोई शहादत अली की जगह कोई और केस फाइल कर देगा क्या? शहादत अली तो पता ही होगा, यस सर। कौन है शहादत अली? आजकल जो चल रहा है न्यूज में, वो लड़की पागल ने तमाचे मार दिए उसके बेचारे को, और कह लखनऊ का रही मुझे 16 लोगों ने मारा। मतलब कितने झूठे हैं लोग, अगर कैमरा ना होता तो बेचारा जिंदगी भर बर्बाद हो जाती है उसकी। कितना गलत करते हैं लोग। अब ये ध्यान से सुन लो, जो ये बी क्यों कह रहा है यहाँ पे, मेयर राइट टू सू कैन नॉट बी ट्रांसफर। इसमें हमने दो चीज पढ़ी थी, अगर आपको याद होगा तो, कि कुछ चीज असर्टेन्ड होती है, अगर जो असर्टेन है, डैमेजेस आर अनसर्टेन, इट कैन बी ट्रांसफर्ड। अरे याद आया नहीं आया? यस सर। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? सर इफ डैमेज इज अनसर्टेन देन इट कांट बी ट्रांसफर्ड, बट इफ इट इज सर्टेन देन इट कैन बी ट्रांसफर्ड। सर्टेन, जिसको निर्धारित किया गया है। जैसे मुझे पता है ना मेरे को उसे 10,000 रुपए लेने हैं, तो 10,000 रुपए लेने हैं, इस राइट को मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ, कोई और ले लेगा। ठीक है, आप क्या कह रहे हो? हमने सर यही कह रही थी मैं भी, मतलब अनसर्टेन होगा तो वो ट्रांसफर नहीं हो सकता, लाइक डिफेमेशन। नहीं, वो नहीं है। उसमें क्या पता कितने डैमेज मिलेंगे, डिफेमेशन मान हानि हो गई, तो दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर। इसी रीजन की वजह से ये ऐसा क्वेश्चन ही सही नहीं बना हुआ। ठीक है, लेकिन चैलेंज होते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि पूरा लिखा होना चाहिए था ना। बेरेट पढ़ोगे तो इतनी बात समझ में आएगी, ये नहीं ट्रांसफर हो सकता, बट अगर आपने डिटेल में पढ़ा है तो क्या होगा? आप देखो, फ्यूचर मेंटेनेंस ट्रांसफर नहीं हो सकते, बट एरियाज ट्रांसफर हो सकते हैं। यस तो ये यस भी है वैसे, तो ये भी मान के चलो फिर, है ना? बट दो चीजें, ए और डी तो हो ही नहीं सकता, ए और डी तो हो ही नहीं सकता, बट हाँ बी और सी में इनमें कंफ्यूजन डाल रखा है, तो गलत है वैसे क्वेश्चन। सर, लेकिन ये तो बेरेक में भी ऐसे लिखा हुआ है ना, अ मेयर राइट टू सू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। यस सर। तो क्या हुआ, तो ट्रांसफर नहीं हो सकता? नहीं है, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या था, एक मिनट देख लेते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका बी है, एजमेंट कैन बी ट्रांसफर, गलत है। ओके ओके ओके, लेकिन लॉजिक तो समझ में आ गया होगा आपको।
यस सर। ओके, मैं इसको कैन नॉट समझ रहा था तेदर से, ठीक है ठीक है, बी है इसका आंसर। Now, which of these cannot be lawfully transferred as per the Transfer Property Act? कौन से चीज ट्रांसफर नहीं की जा सकती? वैसे देखो एक चीज मैं बताऊं, मेरे को ये स्क्रीन पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा नहीं आता, पेपर हो ना उसमें मजा आता है, पेन एंड पेपर इसमें तो दिमाग घूमने लगता, सर में दर्द हो जाता थोड़ी देर में। मुझे नहीं पता आपको कैसा लगता है, मुझे ऑनलाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता पर्सनली। Now, which of these? लेकिन सर जो आंसर उसमें जो आंसर मार्क करने की फैसिलिटी है ना, बस वो थोड़ी एडवांटेजेस है। हाँ वो फायदा, सर में दर्द हो जाता है इसको देख के, स्क्रीन को देख के पढ़ने में मजा नहीं आता। बुक है अपना नीचे आके करो, अपना मार्क करते रहो, वो बढ़िया लगता है। बाकी अपनी अपनी चॉइस है। हाँ फायदा तो है ऑनलाइन पेपर का, फायदा इमीडिएटली रिजल्ट आता है, मैनिपुलेशन बिल्कुल नहीं होगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, बट पढ़ने में मेरे को सर में दर्द हो जाता है टू बी पर्सनल। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो चलो 25, विच ऑफ दीज कैन नॉट बी लॉफुली ट्रांसफर एज पर द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, बताइए इसमें। ए सैलरी ऑफ इंडिया टैक्स टू लैंड प्रॉपर्टी होल्डिंग इनकम, ठीक है ए ही है सैलरी। एज पर सेक्शन 6 ऑफ टीपीए एन ईजमेंट कैन बी ट्रांसफर और कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज, कैन नॉट नहीं जा सकता, दोनों चीजों को साथ देना पड़ेगा। विच प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर, पब्लिक ऑफिस, मेयर चांस टू सक्सेड, मेयर राइट ऑफ री एंट्री, कैन नॉट बी ट्रांसफर। पब्लिक ऑफिस नहीं दिया जा सकता, चांस टू सक्सेड, होप ऑफ सक्सेशन नहीं दिया जा सकता, राइट टू री एंट्री भी नहीं दिया। री एंट्री क्या होता है? वो लैंडलॉर्ड वाले केस में, हाँ वो जाके खुद ही लेगा, अगर उसने कोई और जाके नहीं कर सकता, उसका राइट यूज नहीं करेगा लैंडलॉर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीगल ट्रांसफर अंडर द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, राइट टू सू, चांस ऑफ एन हेयर अपेरेंट टू सक्सीड, एन ईजमेंट अपार्ट फ्रॉम द डोमेन हेरिटेज, और सेकेंड मॉर्गेज ऑफ द प्रॉपर्टी। Which of the following is a legal transfer? कौन सा legal transfer है? Second mortgage, ठीक है। Right to sue transfer नहीं कर सकता, भी पड़ा है। ये भी hope of succession नहीं हो सकता, easement भी नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है? Second mortgage किया जा सकता है। आजकल तो हम यही केस पढ़ रहे थे वैसे। Second mortgage बनाया जा सकता है, but priority किसको मिलेगी? First mortgage ही को। Under Transfer Property Act, what property may be transferred? अच्छा property का doctrine कहाँ दे रखा है? Doctrine of priority. 40A. 48. अरे ostensible owner में डाल दिया क्या priority? Okay, ठीक है. 43. सर ये 6A के साथ हम पढ़ते हैं. So unauthorized. अरे 43 पूछ रहा हूँ मैं, 43 इतना इजी और इतना इम्पोर्टेंट। अरे फीडिंग कुछ याद आ रहा है? फीडिंग ग्रांट बाय स्टॉप। अरे ये वाला कैसे बोल सकते तुम लोग, ये कैसे? उसका टाइटल याद नहीं आ रहा था, मैं प्रोविजन पूरा मुझे याद आ गया था बट टाइटल नहीं याद आ रहा था, उसी से याद करना ठीक है। 43 या 41 तो इम्पोर्टेंट है ही। चलो 42 में बताइए जरा कौन सा एग्जाम्पल दिया था मैंने, 42 में बता दीजिए। हाँ जी भाई, इतना याद करना, देखो 42 में ना ज्यादा दिमाग मत लगाना, कभी रट्टे मान लो, इतना याद करना डेट्रीमेंटल वैल्यू तो वो यूज करेगा। कौन सा एग्जाम्पल दिया था? ईट के भट्टे वाला दिया था ना, ईट के भट्टे में वो निकालेगा खुदाई करके जितनी ईट बन सकती है, फिर ऑटोमेटिकली रिजर्वेशन द राइट ऑफ रिवोकेशन, इतना याद करना, आते नहीं है 42, देखना भी मिलेगा भी नहीं 42, बट आपने याद कर लिया तो एडिशनल एडवांटेज है आपके पास। 40 में क्या दे रखा है? सेक्शन 40 राइट, थर्ड पार्टी राइट प्रोटेक्शन। तो सही से बताओ एक चीज, एक ही लाइन में वो कवर हो जाता है, समझ में आ जाएगा।
उसका एक टाइटल टाइप है, बताइए क्या है वो। सेक्शन 40, कवनेंट रनिंग विद द लैंड। कवनेंट रनिंग विद द लैंड, जमीन के साथ जो चीज जुड़ी हुई है तो वो साथ ही जाएंगी। जो लोग अगर दूसरा सब्सिक्वेंट परचेज ही जो होगा, सब्सिक्वेंट ट्रांसफर ही होगा, वो बाउंड होगा। बाउंड किससे होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव नेगेटिव। हो कवनेंट 39, गया, राइट टू मेंटेनेंस राइट टू मेंटेनेंस। अच्छा 38, बाय लिमिटेड ओनर और ट्रांसफर बाय लिमिटेड तो आप ओनर। ऐसे याद कर लो, लीगल नेसेसिटी बोल दो, लीगल नेसेसिटी 38। वो कुछ कीवर्ड्स माइंड में रखो ना, कॉन्सेप्ट याद रहेगा। लीगल नेसेसिटी, जहां जरूरत है, इज नॉट ऑथराइज्ड बट इवन दो इज और ही कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। उसमें तीन बातें याद रखो, तीन बातें कौन सी है, तो मेंटेनेंस हो गया, एडवांसमेंट हो गया, और द लास्ट वन इज मैरिज। मैरिज यही से क्वेश्चन आने हैं और अंदर से कहां से आएंगे। चलो आगे चलते हैं। अंडर ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, व्हाट प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर्ड। हरियाणा में नहीं आता ना आपका टीपी है? सर शायद है हरियाणा में भी, सर है शायद। नहीं है, हरियाणा में नहीं आता टीपी है, राजस्थान में भी नहीं आता। हाँ सर नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्योंकि उसमें हरियाणा के बुक मुझे टीपी के एमसीक्यूज नहीं मिले थे। ना हरियाणा में होगा, ना राजस्थान में होगा, ना दिल्ली में आता है। दिल्ली में लेकिन फिर भी दो चार क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ यूपी और बिहार में आता है, यूपी और बिहार में तो बिल्कुल अलग से ही आता ठीक है। यूपी और बिहार में आएगा, बाकी कुछ स्टेट से वहां आता है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आए, इतनी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वो दिल्ली में क्यों नहीं आता है, हरियाणा में क्यों नहीं आता है, इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। और जबकि आप सब, जबकि रिक्रूटमेंट जब होती है तो वो सिविल जज ही बनाते हैं आपको, यही देखना है आपने सारा ही प्रॉपर्टी का। सिविल जज का यही तो काम है, मैक्सिमम प्रॉपर्टी के ही आते हैं, केस प्रॉपर्टी हो गए, मैरिज हो गए। और आप देखेंगे राजस्थान में तो इन्होंने हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ को ही निकाल दिया बाहर, हिंदू लॉ मुस्लिम को ही बाहर कर रखा है, पता नहीं क्यों सिलेबस चेंज करते हैं इतना। चलो आगे चलते हैं। अंदर टीबी, व्हाट प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर। मेयर राइट टू सू हो सकता है, नहीं होगा। पब्लिक ऑफिस होगा, नहीं होगा। चांस ऑफ एयर एंड होगा, नहीं होगा। तो आखिरी वाले बचा हुआ है, एनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू विच इज नॉट बार्ड बाय लॉ, यही होगा। चलिए पढ़िए 30, विच कैन नॉट बी ट्रांसफर। क्या ट्रांसफर नहीं किया सकता, मेयर राइट टू सू ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। द मेयर राइट टू सू नहीं किया जा सकता। राइट टू रिसीव एरियर्स ऑफ द रेंट, बिल्कुल किया जा सकता। अभी आ गया ना एरियर्स, किया जा सकता है। राइट टू रिकवर डिक्रीटल अमाउंट, बिल्कुल किया जा सकता है। राइट टू रिसीव प्रोविडेंट फंड बाय विल, ये भी ट्रांसफर हो सकता है, बट ये नहीं होगा। मेयर राइट टू सू ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है ना। विच ऑफ दी फॉलोइंग प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती। विच ऑफ दी फॉलोइंग प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, शेयर इन द कॉपीराइट, इंटरेस्ट इन द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस। राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस जो सेक्शन 6 में लिखा है। यस सर। पॉइंट आउट द करेक्ट आंसर, चलो बताइए कौन सा ठीक है इनमें से। सैलरी ट्रांसफर हो सकती है, नो सैलरी ऑफ बी सही है। सैलरी ऑफ द पब्लिक कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, नो प्रोविजन रिगार्डिंग ट्रांसफर सैलरी ऑफ द पब्लिक, ठीक है। सैलरी ऑफ द पब्लिक ऑफिसर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी मे बी ट्रांसफर्ड, कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है। मेयर इजमेंट नहीं सर होगा, फ्यूचर मेंटेनेंस नहीं होगा, इमोवेबल प्रॉपर्टी होगा। कुछ आसान से क्वेश्चन है बहुत। चलो राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस इन व्हाट सो एवर मैनर अराइजिंग सिक्योर्ड और डेट्रीमेंटल। राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस इन व्हाट सो एवर मैनर अराइजिंग सिक्योर्ड और डेट्रीमेंटल कैन बी ट्रांसफर्ड, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, होंगे नहीं होंगे, नहीं होंगे, कैन सही होगा। नॉट बी ट्रांसफर्ड।
ठीक है, आंसर भी ठीक है. व्हाट कैन बी ट्रांसफर अंडर टीपीए? इजमेंट अलोंग विद द डोमिनेंट हेरिटेज, ये तो हो ही सकता है. अलोंग विद लिखा है ना, अलोंग विद लिखा है ना, तो अलोंग विद तो जाएगा ये. पॉलिटिकल पेंशन नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी. बी के बाद और क्या है? सी है स्पेस सक्सेस, नहीं जाएगा. स्टाइपेंड अलाउंस तो नहीं जाएगा, तो आंसर इज ए. ठीक है, वहां पे जो ऑप्शन में लिखा था ना, क्या लिखा है, वो इजमेंट अलोंग विद द डोमिनेंट हेरिटेज जाएगा, यानी आप जब पूरा का पूरा मकान बेचेंगे तो इजमेंट भी जाता है, अकेले से इजमेंट नहीं जा सकता. व्हाट काइंड ऑफ द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफरेबल, कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल है? राइट टू री एंट्री कैन नॉट बी ट्रांसफर, सेक्शन 6, पब्लिक ऑफिस नहीं होगा, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ. इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं जो कानून में मना नहीं है. पेंशन भी नहीं ट्रांसफर हो सकती. चलिए बताइए, फोर्थ बताइए. अच्छा क्वेश्चन है. सेक्शन 6 टीपीए प्रोवाइड दैट द प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मे बी ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट द फॉलोइंग. कॉम्बिनेशन बताना आपको, बताइए. चलिए देख लीजिए अच्छे से क्वेश्चन. ऑल हो जाएगा. आंसर देख लिया? ये पढ़ा है. देखा नहीं है तो पढ़ा है, उसमें एक्सेप्ट लिखा है, तो ये सारे सारे ऑप्शंस हैं सेक्शन. मेयर राइट टू सू ट्रांसफर हो सकता है? नहीं होगा. पब्लिक ऑफिस सैलरी नहीं होगा. चांस ऑफ इनहेरिटेंस नहीं होगा. एनी इजमेंट अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज भी नहीं होगा. अपार्ट लिखा है यहाँ, ठीक है. विद होता तो हो जाता, तो ऑल ऑफ द अबव होगा. तो सर डी हो गया आंसर. हाँ डी हो गया. बच्चे इन्हीं में घूमते रहेंगे, पहले तो ए बी सी को देखेंगे, बट पहले अगर आप ऑप्शन पढ़ लोगे तो इजिली क्लियर हो जाएगा. द पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी हैज बीन डिफाइंड अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन? 7. पर्सन कॉम्पिटेंट, ठीक है, 7 में है. कौन कौन कॉम्पिटेंट है, कौन कौन कॉम्पिटेंट है, इसके लिए हमें क्या देखना पड़ता है? इंडियन कॉन्टेक्ट देखना पड़ेगा, नहीं देखना पड़ेगा. साउंड माइंड होना चाहिए. माइनर ट्रांसफर कर सकता है? नो सर. माइनर ट्रांसफर नहीं कर. कैन बी अ माइनर, कैन माइनर बी अ ट्रांसफरी? यस सर, बिल्कुल हो सकता है. तो हमें क्या देखना पड़ता है? कॉन्ट्रैक्ट देखना पड़ता है इसके लिए, ठीक है. सेक्शन 10 देखना पड़ेगा. हु आई मीन व्हाट कॉन्ट्रैक्ट, जो है ना सेक्शन, उसमें 10 में लिखे हैं, जो भी लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए. गैम्बलिंग के लिए दे सकते हैं हम अपना घर? नो सर, नहीं कर सकते. हमें इसलिए पढ़ा ना हमने कि टीपीए के साथ साथ हमें रजिस्ट्रेशन और कॉन्ट्रैक्ट समझना पड़ता है. चलो आंसर इज 7. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द वैलिड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी? कौन सा इनमें से एसेंशियल एलिमेंट नहीं है? ट्रांसफर कॉम्पिटेंट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. ट्रांसफरी मे नॉट बी कॉम्पिटेंट टू टेक ट्रांसफर, ट्रांसफरी मे नॉट बी कॉम्पिटेंट, जरूरी नहीं है वो कॉम्पिटेंट हो या ना हो, ये भी ठीक बात है. ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसफर मस्ट बी लॉफुल, ये भी बात ठीक है. क्या आंसर होगा? क्योंकि इसमें ना इन्होंने मेन और कॉम्पिटेंट बहुत वाइड कर दिया है. माइनर हो सकता है, अनसाउंड माइंड हो सकता है, बट ही मस्ट नॉट बी डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ. और मेन और कॉम्पिटेंट में वो डिस्क्वालीफाइड भी आ रहे हैं, तो क्या ही होना चाहिए? देखो इसको हम जो है ना सेक्शन 7 के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, तो यहाँ लिखा नहीं है डायरेक्टली ये बात. सेक्शन 7 अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखी नहीं है वाली बात, बाकी ये दो सारी बातें लिखी हुई है. एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट Entitled to transfer. Every person competent to contract, entitled to transfer के बाद से बात करी हुई है यहाँ पे. ट्रांसफरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं की हुई है. ट्रांसफरल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ऑथोराइज टू डिस्पोज ऑफ ट्रांसफरल प्रॉपर्टी होना चाहिए. नॉट इज ऑन इज कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी, इधर होली और पार्ट, एब्सोल्युटली और कंडीशनली. ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सी, क्योंकि ये ट्रांसफर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लिखा हुआ, लेकिन ट्रांसफरी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखा हुआ. तो हम इनडायरेक्टली ये कहते हैं कि जो ट्रांसफरी है वो कॉम्पिटेंट होना जरूरी नहीं होता है, बट ट्रांसफर मस्ट बी कॉम्पिटेंट. ठीक है, और यामिनी आप क्या बोल रहे हैं? तो मैं ये बोल रही थी कि जो ट्रांसफरी है अगर वो माइनर होगा तो भी चलेगा, अनसाउंड माइंड होगा तो भी चलेगा, बट ही मस्ट नॉट बी डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ. तो जो कॉम्पिटेंट यहाँ पे मे नॉट कॉम्पिटेंट वर्ड है वो सारी मतलब एक वाइड डिस्क्वालिफिकेशन कवर कर रहा है.
देखो इसको सिंपल तरीके से ऐसे समझ लेना है, जो ट्रांसफर ही है ना हमारे सेक्शन 7 में, ट्रांसफर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया, ट्रांसफर मस्ट बी कॉम्पिटेंट, ट्रांसफर ही के बारे में कुछ लिखा नहीं है, और इसको हम रेफरेंस लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है। तो ट्रांसफर ही मे नॉट बी कॉम्पिटेंट, ये बात भी ठीक है, बट लिखा नहीं है सेक्शन 39 का सी, ठीक है। तो इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ टीपीए एक्ट अ माइनर कैन ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी, कैन नॉट ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी, इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द प्रॉपर्टी टीपीए माइनर कैन ट्रांसफर, माइनर कैन नॉट ट्रांसफर, ठीक है। तो सिंपल सही है, माइनर ट्रांसफर कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। नहीं। चलो ऑप्शन हमने पूरे नहीं पढ़े, कैन एक्सेप्ट, ठीक है ये तो कर ही सकता है, कैन एक्सेप्ट ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन हिज फेवर, बिल्कुल हो सकता है, ट्रांसफर ही हो सकता है, तो आंसर इज डी, डी आंसर हो गया इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द टीपीए रिलेट्स टू द ओरल ट्रांसफर, ओरल ट्रांसफर कहाँ दे रखा है? सेक्शन 9 में दे रखा है, 8 में क्या दे रखा है? लीगल इंसिडेंट। लीगल इंसिडेंट, ठीक है, याद करने का तरीका ठीक है, लीगल इंसिडेंट। जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी तो सारे राइट्स जाएंगे उसके साथ, ठीक है, लैंड मशीन घर सब जाएगा, डेट्स एक्शनेबल क्लेम्स। ठीक है, बट उससे पहले, उसके डेट से पहले के राइट्स नहीं जाएंगे, ठीक है, उससे एरियर्स अगर उससे पहले के हैं वो नहीं जाते, राइट। अच्छा क्वेश्चन है सेक्शन 8, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से 8 में से भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द टीपीए सेज दैट द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी मे बी मेड विदाउट राइटिंग इन एवरी केस इन विच द राइटिंग इज नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड बाय द लॉ, यानी ओरल ट्रांसफर की बात कर रहा है, कहाँ दे रखा है ओरल ट्रांसफर? सेक्शन 9। भाई ट्रांसफर ओरली हो सकता है, नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, जहां लिखना मैंडेटरी नहीं है, रिटन में मैंडेटरी नहीं है, वो ओरल हो सकता है, सेक्शन 9 यही कहता है। सेक्शन 9 प्रोवाइड्स दैट ट्रांसफर कैन ओनली बी डन थ्रू अ ट्रांसफर डेट, ट्रांसफर कैन बी ओरल और विदाउट राइटिंग ऑल्सो, ट्रांसफर कैन ओनली बी थ्रू अ रजिस्टर डेट, ये तो है ही नहीं, ट्रांसफर कैन बी डन ओनली बाय राइटिंग, क्या है इसका आंसर? बी बी आंसर होगा, क्योंकि सेक्शन 9 बेस्ड पे क्वेश्चन है, ओरल हो सकता है विदाउट राइटिंग ऑल्सो, बट जहां राइटिंग में मैंडेटरी किया गया वहां राइटिंग में ही होगा। राइटिंग मैंडेटरी कहाँ कहाँ पर है? सर, इमूवेबल प्रॉपर्टी इफ इट इज ऑफ 100 रुपीज और मोर। जी हाँ जी, यूपी में कितना है? यूपी में 100 रुपीज, मतलब वहां नो पे सर, यूपी यूपी एक्सेप्शन में वैल्यू था सर, यूपी में तो भैया इलेक्ट्रिसिटी एक का करोड़ की वैल्यू। प्रॉपर्टी है तो अभी वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और रजिस्टर्ड है तो लिख के रजिस्टर्ड होगी, ओरली रजिस्टर्ड हो जाएगी, तो इन द केस ऑफ सेल इन द स्टेट ऑफ यूपी इट इज मैंडेटरी राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, मॉर्गेज रजिस्टर्ड, मॉर्गेज रजिस्टर्ड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यस, एक्सेप्ट मॉर्गेज एंड डिपॉजिटिंग द बाय द डिपॉजिट टाइटल कैन डेट उसको ट्रांसफर। छोड़कर, ठीक है, वो मैंने आपको अलग से भी लिखवाया था, बट अटेस्टेशन हमने करा था ना, तो गिफ्ट इमूवेबल है तो और लिखित में होना चाहिए और रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, बट अगर गिफ्ट मूवेबल है तो जरूरत नहीं है। एक्सचेंज, एक्सचेंज कैन बी ओरल और नॉट, सर, सेल वाले प्रोविजंस लग जाएंगे। तो हाँ जी जैसे सेल के प्रोविजंस के साथ डील किया जाता है, वैसे ही एक्सचेंज पर लगेंगे। ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट राइट ट्रांसफर हो रहा है। आगे चलते हैं 44, अंडर द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट वेयर अ राइटिंग इज नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड बाय द लॉ, ट्रांसफर प्रॉपर्टी मे बी मेड विदाउट राइटिंग इन एवरी केस, ठीक है, जहां जरूरत नहीं है लिखने की वहां हम बगैर लिख के भी काम चला सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, आंसर यही होगा इसका। Now, where writing is not expressly required by the law, transfer property may be made orally. कब हो सकता है? Where writing is not expressly required by the law, a transfer property may be made orally. सही है गलत है? सही बात तो है, बिल्कुल किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं।
कंडीशन रेस्ट्रेनिंग एलिनेशन कहां दे रखा है? सेक्शन 10, सिंपल. कंडीशन रेस्ट्रेनिंग एलिनेशन अंडर सेक्शन 10 ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट मेक द ट्रांसफर इनवैलिड, मेक द कंडीशन इनवैलिड. ये बताइए, अच्छा क्वेश्चन है. कंडीशन रेस्ट्रेनिंग एलिनेशन, बताइए क्या होगा इसका आंसर. कंडीशन इनवैलिड हो जाएगी बट ट्रांसफर विल रिमेन वैलिड. बिल्कुल ठीक, कंडीशन जो होगी वो इनवैलिड होगा बट ट्रांसफर रिमेन वैलिड. दोनों इसका बी आंसर होगा. कंडीशन इनवैलिड हो जाती है क्योंकि अगर वो रीजनेबल नहीं है इट वुड बी इनवैलिड, क्योंकि आप ऐसी कंडीशन नहीं लगा सकते जिसमें आपको एब्सोल्युटली रिस्ट्रेन कर रहे हैं. तो कंडीशन मस्ट बी वैलिड होनी चाहिए, तो ट्रांसफर वुड बी वैलिड, कंडीशन इनवैलिड. आंसर इज बी. चलो ये पढ़िए बाप. हाँ जी पढ़िए यामने, एक बार स्लोली स्लोली पढ़ना. ओके सर. A sells his house to B with the condition that B cannot transfer his house to anyone except B. The sale is sir, ये valid होगी. Valid है, void है, unlawful है, voidable है. Logic क्या है अगर आप valid कह रहे हैं तो? Sir, absolute restraint नहीं लग रहा है क्योंकि it is a partial restraint and which is allowed. हाँ जी, यहाँ पर एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन नहीं है, वो यही तो कह रहा है भाई, दूसरी को मत बेचियो, बाकी तो दुनिया जहान को बेच सकता है. ठीक है. ए सेल हिज हाउस टू बी विद अ कंडीशन दैट बी कैन नॉट ट्रांसफर हिज हाउस टू एनीवन एक्सेप्ट सी. कैन नॉट ट्रांसफर हिज हाउस टू एनीवन एक्सेप्ट सी. ये गलत लिख रखा है इन्होंने क्या? सर ये उल्टा उल्टा समझ लिया है, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से तो आंसर यही होता. क्वेश्चन गलत ड्राफ्ट किया हुआ है. यहाँ होना चाहिए कैन नॉट ट्रांसफर टू सी, कैन नॉट ट्रांसफर टू एनीवन एक्सेप्ट सी. सर यहाँ पर तो एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट लगा रहे हैं कि कह रहे हैं कि सी को ही यू कैन सेल. ओनली टू सी होगा ना, ओनली टू सी होगा तो ये कंडीशन हो जाएगी वॉइड. वॉइड ये वॉइड होगी. ठीक है, क्वेश्चन गलत है वैसे ही. अगर ये ओनली टू सी होगा ना तो ये होगी void. अगर यहाँ लिखा होता कि आप सी को नहीं बेच के, सी को नहीं बेच सकते बाकी सबको बेच सकते हैं, तो वो कंडीशन होती है valid. ठीक है. और देखो लेटेस्ट है ये. हाँ जी बोलिए. जो हमने पढ़ा था वो ये था कि हाँ अगर ऐसा होता है कि अनरीजनेबल कंडीशन होगी या एब्सोल्यूट कंडीशन होगी तो कंडीशन void हो जाती है बट जो ट्रांसफर है दैट विल रिमेन वैलिड. ट्रांसफर वैलिड होगा, कंडीशन वॉइड होगी. हाँ हाँ तो इसीलिए आंसर ए ए होगा क्योंकि यहाँ पे सेल बोल रहे हैं तो द सेल इज वैलिड बट कंडीशन इज वॉइड. सेल वैलिड है सेक्शन 10 के हिसाब से. हाँ लेकिन देखो उसमें क्या है, जब ये कोर्ट के पास मामला जाएगा तो उसको कहा जाएगा भाई मैंने प्रॉपर्टी ली थी, मैं बी ने प्रॉपर्टी ए से खरीदी, तो बी जिस मर्जी को चाहे बेचे. कोर्ट कहेगा भाई तुम जिस मर्जी को बेचो, तो जब एब्सोल्यूट है और सेल है, यहाँ पे सेल भी तो वर्ड है, सॉरी सेल वर्ड है, तो सेल में क्या होता है ट्रांसफर एब्सोल्यूट होती है. जब एब्सोल्यूट होती है ट्रांसफर तो वो कंडीशन को जाए भाड में. ठीक है, कंडीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर कैसे भी कंडीशन हो कोर्ट डिक्लेयर कर देगी कंडीशन क्या होगी वॉइड हो जाएगी. हाँ इसका आंसर फिर ए ही है. लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी मेरे को ठीक नहीं लग रही, कैन नॉट ट्रांसफर हिज हाउस टू एनी वन एक्सेप्ट सी. लेकिन सी को भी अगर कर दिया है तो वो सी का ट्रांसफर तो वैलिड होगा बट कंडीशन वॉइड होगी. ठीक है, आंसर इज इट. नाउ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन इनवैलिड एज पर द सेक्शन 10 ऑफ द टीपीए. कंडीशन नॉट टू सेल आउटसाइड द फैमिली, कौन सी इनवैलिड है? ठीक है, इनवैलिड देखनी है आपने. कंडीशन नॉट टू सेल आउटसाइड द फैमिली वैलिड है, इनवैलिड है, फैमिली फैमिली में रहे प्रॉपर्टी. कंडीशन नॉट टू सेल टू अ पर्सन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी, कि आप बाहर नहीं भेजेंगे किसी और कम्युनिटी में. याद होगा ज़ोरास्ट्रियन कम्युनिटी का केस था. कंडीशन नॉट टू सेल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफरी, क्या आप नहीं भेज सकते इसको? कौन सी इनवैलिड रहेगी बताइए? या ये कंडीशन जब लेसी को हम यानी किराएदार को मकान देते हैं सबलेट नहीं करी हुई, तो वैलिड है ही. डी तो वैलिड है, घर में भी मत बेचना. नॉट टू सेल आउटसाइड, घर के बाहर नहीं बेचोगे, ये भी वैलिड है.
नॉट टू सेल टू अ डिफरेंट कम्युनिटी, ये भी वैलिड है. कौन सा बचता है, नॉट टू सेल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफरिंग, एज पर सेक्शन 10 की बात कर रहा है. अपने जीते जी किसी को नहीं बेचोगे, नॉट टू सेल ड्यूरिंग. कौन सा ठीक है, इनवैलिड कौन सी है, सी ही होगा क्योंकि तो पावर ऑफ एलिनेशन तो उसकी खत्म ही कर दी है. हाँ जी, वो उसका राइट खत्म कर रहा है ना, ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो भी जीते जी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम. जब एब्सोल्यूट ट्रांसफर हो रहा है तो उसको सारे राइट देने पड़ेंगे. नाउ एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर प्रॉपर्टी इज वॉइड अंडर विच सेक्शन. एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, जहां पे एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट ट्रांसफर कौन सी चीज होती है, सेल हो गया, एक्सचेंज हो गया, गिफ्ट हो गया, ठीक है. उस सिचुएशन में हमें पूरा ट्रांसफर करना पड़ेगा, सेक्शन 11 है, ठीक है. एक सेकेंड, सेक्शन 10, ठीक है ठीक है, गलत हो गया, 10 ही है इसका आंसर, लिखवाया हुआ भी है बल्कि 11 में भी एब्सोल्यूटली की ही बात की गई है. पर्टिकुलर मैनर लिखा हुआ वहां, लेकिन हाँ ठीक है तो दोनों ही एब्सोल्यूट ट्रांसफर की बात करते हैं. तो सेक्शन 10 है इसका, तो इट्स वॉइड अंडर ट्रांसफर, एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इज वॉइड अंडर सेक्शन 10 ऑफ द टीपीए. कंडीशन वॉइड हो जाएगी. नाउ सेक्शन 51, ए सेल्स अ हाउस टू बी डायरेक्टिंग बी दैट ही कैन नॉट रेसाइड इन इट बट कैन यूज इट ओनली एज अ गोडाउन और अ शॉप. द कंडीशन इज वॉइड है, वैलिड है, वॉइड वॉइड. क्या आप रहोगे नहीं वहां पर, दैट ही कैन नॉट रेसाइड इन इट बट कैन यूज ओनली, घर की बात कर रहा है. It's only as a go down or a shop. It is a void condition. Condition void है, transfer valid है. Okay, whether a gift with a condition not to transfer the gifted property is illegal? Yes or no? अब मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसको किसी और को ट्रांसफर नहीं करोगे आप. कंडीशन कैसी है? Absolute restraint तो void हो जाएगी. Is where a gift where a gift with a condition not to transfer the gifted property is legal. Legal है ये? Legal नहीं है. No. Section 11 of TPA will be applicable only when that interest transfer in the property is absolute होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया था. Section 10 में भी absolute है, 11 भी absolute है. Will be applicable only when the interest transfer, ठीक है, वहाँ limited नहीं, absolute होना चाहिए. Then only because तीन चीजें, sale, exchange, gift, absolute transfer होता है. बाकी mortgage limited, lease limited. Answer is B. If a property is transferred with the condition that the interest credited therein for the benefit of the transferee shall cease on is becoming insolvent. कौन से section की बात कर रहा है? 12 की बात कर रहा है, insolvent. Such a condition is void under which of the following section? 12. ठीक है, direct question है, तो थोड़ा focus करके पढ़ेंगे तो समझ में आ ही जाएगा. Section 12 of the TPA is not applicable where the transfer by way of sale, gift, exchange, lease, कहाँ पे apply नहीं होगा? हाँ जी, देखो तीनों एक तरीके की बात हो गई ना, सेल, गिफ्ट और एक्सचेंज तरीके की बात हो गई है. तो ये क्या है, एब्सोल्यूट ट्रांसफर हो रहा है, लीज बचा है इसमें. लीज क्या है, लिमिटेड है ना. डी, नाउ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द टीपीए इज कंसर्न विद द ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू अनबॉर्न. चलो 13 है, तो अनबॉर्न को कैसे ट्रांसफर होती है प्रॉपर्टी, पहले हमें लाइफ एस्टेट क्रिएट करना पड़ेगा या ट्रस्ट क्रिएट करेंगे और उसके बाद प्रॉपर्टी जाएगी अनबॉर्न को, और अनबॉर्न को प्रॉपर्टी कैसी जानी चाहिए? एब्सोल्यूट, लिमिटेड इंटरेस्ट नहीं जाएगा. वेदर अ ट्रांसफर कैन बी मेड इन फेवर ऑफ द अनबॉर्न बाय द मशीनरी ऑफ द ट्रस्ट, वेदर द प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर इन फेवर ऑफ अनबॉर्न. तो आंसर तो ये भी ठीक है, यस भी ठीक है, बट यस मस्ट बी जस्टिफाइड
guardian has got to be appointed. No, answer is A. Yes भी ठीक है लेकिन आंसर कंप्लीट नहीं है, तो बेस्ट आंसर देना है, इसलिए ट्रस्ट क्रिएट करेंगे या पहले लिविंग पर्सन को देंगे लाइफ इन ट्रस्ट. ट्रांसफर प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑन बॉर्न कैन बी मेड बाय, कैसे हो सकता है फॉर द बेनिफिट ऑन बॉर्न कैन बी मेड बाय क्रिएशन ऑफ प्रायर रेंट इन द फेवर ऑफ लिविंग पर्सन फॉर एनी पीरियड. एनी पीरियड होता है क्या? वेस्टिंग द राइट डायरेक्टली टू द, नहीं हो सकता ये तो है ही नहीं. क्रिएशन ऑफ प्रायर रेंट इन फेवर ऑफ द लिविंग पर्सन टिल द एग्जिस्टेंस ऑफ अनबॉर्न, यानी इसमें हमें नजर आ रहा है लाइफ स्टेट क्रिएट किया जा रहा है, लाइफ स्टेट लिविंग पर्सन में, उसके बाद जाएगी प्रॉपर्टी अनबॉर्न को. अनबॉर्न को एब्सोल्युटली जानी चाहिए, लेकिन अनबॉर्न मस्ट कम इन टू एग्जिस्टेंस बिफोर द डेथ ऑफ द अगेंस्ट द पर्सन हुम वी हैव क्रिएटेड अ लाइफ इंटरेस्ट. ठीक है, सी आंसर हो गया. Now 59 के कहता है, for the creating an interest in the favor of unborn, which of the following is essential? कौन कौन से essentials हैं? Creation of prior interest in favor of living person, ठीक है. Unborn person must be born before the termination of the last prior interest, बिल्कुल ये भी ठीक है. And absolute interest to be given to unborn. बताइए आंसर क्या आसान सा है? All. D होना चाहिए, all of the above. चलिए नेक्स्ट बता दीजिए, तो आसान सा है. रूल अगेंस्ट परपेचुटी कहाँ दे रखा है? 14 में है, ठीक है. इम्पोर्टेंट प्रोविजन है सारे, बताइए इसको. रूल अगेंस्ट प्रॉपर्टी गिवन अंडर द टीपीए डज नॉट अफेक्ट एनी रूल ऑफ मॉमडन लॉ. डज नॉट अफेक्ट रूल ऑफ मॉमडन लॉ, आर यू श्योर? बाकी और लोग भी बोलिए. क्योंकि ये चैप्टर 2 के अंडर आ रहा है ना, और चैप्टर 2 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन मॉमडन लॉ. हाँ जी, आंसर इज बी. हमने ऑलरेडी पढ़ा है चैप्टर 2 इज नॉट रिलेटिंग विद द मॉमडन लॉ, बट कुछ ऐसे प्रोविजन है जहां अप्लाई होता है, वो भी अभी शायद क्वेश्चन में आ ही जाएगा. नो ट्रांसफर प्रॉपर्टी कैन ऑपरेट टू क्रिएट एन इंटरेस्ट व्हिच इज टू टेक इफेक्ट आफ्टर द लाइफ ऑफ one or more person living at the date of such transfer. These provision come under, कहाँ पर आते हैं? ये perpetuity की तो बात करता है कि life के बाद कितनी भी कर सकते हैं, but all person must be living at the time of transfer. And ultimately, हम कितने lifetime तक के लिए vesting interest को बना के रख सकते हैं? Maximum period क्या है उसका? हाँ जी, मैक्सिमम पीरियड सेक्शन 14 में कुछ पीरियड की बात कही है, एज वेज की, माइनॉरिटी तक बने रहने तक. सर लाइफ ऑफ द पेरेंट ट्रस्ट प्लस इफ द चाइल्ड इज नॉट बोर्न देन जेस्टेशन पीरियड आल्सो प्लस माइनॉरिटी. हाँ जी, तो तीन चीजें हो गई. एक तो लाइफ ऑफ दी जिसके पे प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया है, कितने भी हो सकते हैं वो, एन नंबर ऑफ अ पर्सन कैन बी, बट दे ऑल मस्ट बी लिविंग, उनकी लाइफ हो गई, प्लस जो जेस्टेशन पीरियड हो गया, बच्चा अगर जन्म ले रहा है तो ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ जब तक द चाइल्ड इन द वोम है, एंड द 18 इयर्स 18 साल. ठीक है, द रूल अगेंस्ट प्रॉपर्टी इज अ कैसा राइट है ये? रूल अगेंस्ट ट्रांसफर प्रॉपर्टी, रूल फेवरिंग ट्रांसफर प्रॉपर्टी, रूल फिक्सिंग द मैक्सिमम पीरियड ऑफ विच टाइम period of time for which the vesting of the property can be postponed. कौन सा है, किसे deal करता है rule against perpetuity? C बताता है कि rule कितना, fixing the maximum, कितने लंबे समय तक हम property को hold करके रख सकते हैं. ठीक है, maximum period कितना है? एक तो हो गया life plus अगर child है वो चाइल्ड इन वूम है, प्लस मैक्सिमम 18 इयर्स. अगर मैं प्रॉपर्टी ऐसे देता हूं कि आप अपनी जिंदगी भर यूज करेंगे, उसके बाद जो बच्चा होगा उसको मिलेगा, ठीक है, बच्चा जो बर्थ ले लेता है तो उसको मिलेगा, बट उसको जो मिलेगा वो 20 साल के बाद मिलेगा, जब उसके 20 साल. ये वैलिड है, इनवैलिड है? हाँ जी, इनवैलिड.
इनवैलिड होगा. व्हाई रीजन? इट इज वायलेटिंग रूल अगेंस्ट परपेचुटी. हाँ जी, तो मैक्सिमम पीरियड इट कुड बी 18 इयर्स ओनली, मैक्सिमम 18 साल तक होल्ड किया जा सकता है और बस पोस्टपोन की जा सकती है. ना रूल अगेंस्ट परपेचुटी इज एप्लीकेबल टू व्हाट, मूवेबल इमूवेबल दोनों या किस पे आएगा? बोथ. बोथ. लॉजिक लगा लेना चैप्टर 2 के हिसाब से, ठीक है. ना रूल अगेंस्ट परपेचुटी प्रिस्क्राइब दैट, क्या बताता है? Every transfer of immovable property must be registered document. Every transfer of the immovable property must be in writing. No transfer property can be operated to create an interest which is to take effect after the lifetime of the one or more person living on the date of the such transfer. Answer could be C. ठीक है. The rule against perpetuity do not apply to which of the following? किस पे apply नहीं होता? Immovable property पे होता है, immovable charities पे apply होता है नहीं होता है? नहीं होता. No. कहाँ दे रखा है चैरिटी की बात, कौन से सेक्शन में की गई है? 18 में. कौन कौन से सेक्शन की बात की गई है सेक्शन 18 में? हाँ जी, कौन कौन से सेक्शन मेंशन्ड है? 13 नहीं है यहाँ, नहीं 13 नहीं है, 14 16 17. ठीक है, 14 16 17. Now, which of the following is an exception to rule against perpetuity? कौन सा exception है? Which of the following is an exception? Permanent transfer for the gift, personal covenant. Which one of the following is an exception? बताइए, personal covenant, permanent transfer of the gift. Preemption or all of the above? सारी है. ठीक है, ऑल ऑफ द अबव. नाउ रूल अगेंस्ट परपेचुटी इज नॉट एप्लीकेबल केस वेयर, कहां पे अप्लाई नहीं होगा? रूल अगेंस्ट ऑफ प्रॉपर्टी कहां पे अप्लाई नहीं होगा? प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक, ठीक है. ये तो इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इज क्रिएटेड जनरेशन, नहीं ये तो गलत है, जनरेशन टू जनरेशन मना ही किया गया है. ट्रांसफर प्रॉपर्टी परपेचुटू इफेक्टिव Beyond minority of unlimited transfer, नहीं ये गलत है. Contingent interest are created by the transfer. Answer is A only. चलो ये बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है वैसे तो. हाँ जी, बताइए. Section 14 of TPA provides for the rule against perpetuity. सही बात है. This rule is based on public policy पे है या नहीं है? Yes. बिल्कुल ठीक बात है. तो दोनों बातें ठीक है, ए भी ठीक है, बात भी ठीक है, कारण भी ठीक है. ए इज ट्रू, कहा इसका ए एंड बी बोथ आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. आंसर इज ए. ओके, पब्लिक पॉलिसी क्यों लिखा है? क्योंकि भाई सरकार भी चाहती है प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती रहनी चाहिए, स्टैंप ड्यूटी लगेगी, पैसा आएगा सरकार को. ठीक है, a transfer, a transfer is property to be for the life and thereafter to his unborn son for life. उसके बाद unborn son for life. In this case, the transfer of property to unborn son is क्या है? Valid है, voidable है, illegal है? हाँ जी, 17. Reason being because limited interest is being transferred to the unborn son. बिल्कुल ठीक. अगर बच्चे को हमने लिमिटेड इंटरेस्ट दिया है तो वो वैलिड नहीं है, उसको एब्सोल्यूट ट्रांसफर करनी पड़ती है प्रॉपर्टी सेक्शन 13 में. तो आंसर इज डी, वॉइड. ओके, आगे चलते हैं. अंडर ट्रांसफर प्रॉपर्टी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड है बताइए. कंडीशन ठीक है, रिस्टेनिंग एलिनेशन. अरे सेक्शन नंबर में क्या है गलत है, यही गलत हो गया. अच्छा, करेक्टली मैच बताना है. ठीक है, ये तो सेक्शन 10 है. यस, रूल अगेंस्ट प्रॉपर्टी ठीक है, बिल्कुल सही मैच है. कंडीशनल ट्रांसफर भी ठीक है, तो बी और सी दोनों ठीक है. यस, तो आंसर क्या दे रखा है? बी. गलत आंसर दे रखा है, दोनों होने चाहिए. पहला क्वेश्चन गलत देखा है वैसे मैंने, इसमें होते नहीं है वैसे. कंडीशनल ट्रांसफर तो 25 में है ही. ठीक है, दोनों ही ठीक है. रूल अगेंस्ट परपेचुटी 14, कंडीशनल ट्रांसफर 25. ठीक है,
ओके आप बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द टीबीए डील्स विद द डायरेक्शन ऑफ एक्युमुलेशन। 17 क्या इसके बेसिक प्रिंसिपल क्या है एक्युमुलेशन के? इनकम कैन बी एक्युमुलेटेड टिल द लाइफ ऑफ द ट्रांसफर और 18 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर व्हिच एवर इज लॉन्गर। जो भी लंबा समय हो, ठीक है, जो भी लंबा समय हो, क्या पता वो ज्यादा जी जाए, 18 साल से ज्यादा जी जाए तो इनकम आती रहेगी उसको, ठीक है, जब प्रॉपर्टी का ट्रांसफर की जाती है और एक्युमुलेशन ऑफ इनकम तो मिलती रहेगी उसको। प्रोविजन ऑफ लॉन्गर पीरियड इन द मैटर ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 17 अमाउंट्स टू कितना है? 18 साल। विच सेक्शन क्रिएट्स एक्सेप्शन टू द रेस्ट्रिक्शन इन सेक्शन 14? देखिए ये आ गया ना, मैंने आपको कहा था यामिनी आप कह रहे थे 13 सेक्शन है, 14 सेक्शन 17, ये आपका आंसर होगा 18। यहाँ पर 13 नहीं आता है, अनबॉर्न वाली बात नहीं होगी। ओके आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 ऑफ द टीपीए सम सेक्शन शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक इन द एडवांसमेंट ऑफ द रिलीजन लैंग्वेज और सॉरी नॉलेज कॉमर्स हेल्थ सेफ्टी और एनी अदर ऑब्जेक्ट बेनिफिशियल टू मैनकाइंड। दिस सेक्शंस आर कौन कौन से सेक्शन है? अभी ऊपर वाले हो जाएंगे 14, 16, 17। आंसर इज बी। आंसर इज बी। चलो 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, देन विल स्टार्ट। अभी भी 100 क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ से, सब ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स, ठीक है? ओके सर। चलो आते हैं अभी 2 मिनट में। ओके आगे चलते हैं सेक्शन 76 क्वेश्चन देखते हैं। इन केस ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन शैल नॉट अप्लाई? रूल अगेंस्ट परपेचुटी सेक्शन 14, ट्रांसफर टू टेक इफेक्ट ऑन द फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट ये कौन सा सेक्शन है? और डायरेक्ट डायरेक्शन ऑफ एक्युमुलेशन 17। हाँ जी 17 हो गया, ठीक है, तो ये सारे हो गए डी। आंसर इज डी। कुछ भूल भी जाओ ना तो चीजों पे लॉजिकल और रीजनिंग लगा लेना। देखो दो तो कवर हो ही रहे हैं, रूल अगेंस्ट परपेचुटी भी हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ एक्युमुलेशन सीधा सीधा सेक्शन है, आंसर डी हो जाएगा। अ वेस्टेड इंटरेस्ट इज नॉट डिफीटेड बाय द डेथ ऑफ द ट्रांसफरी बिफोर ही ऑब्टेन्स पोजीशन इज प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन? किस सेक्शन में लिखी हुई ये बात? 19। ये वेस्टेड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। पहली चीज देखो, अगर सामने वाला जो है वो उसने बर्थ तो ले लिया है। अच्छा एक बात बताओ, वेस्टेड इंटरेस्ट कब मिलता है इन केस ऑफ अनबॉर्न को? अनबॉर्न को कब मिलता है? जैसे ही उसको बर्थ ले लेता है। ये किस सेक्शन में लिखा है? 20 में लिखा है, राइट? और लेकिन अगर वो बॉर्न होने के बाद मर जाता है तो प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? लीगल हेयर्स ऑफ जो जिसने बर्थ लिया, अनबॉर्न जो था, ठीक है। तो आंसर इसका 19 है। लगभग 100 क्वेश्चंस और हैं, लेकिन हो जाएंगे, जल्दी से हो रहे ना। ऑलरेडी हमने 100 से ऊपर कर लिए हैं क्वेश्चन, 125 के आसपास कर लिए हैं। ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू बी इन द ट्रस्ट फॉर सी, ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी बी को इन ट्रस्ट फॉर सी एंड डायरेक्टेड बी टू गिव अ पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू सी, और ये कहता है। चलो इसका क्वेश्चन का आप आंसर लॉजिकली मुझे बताना है कि जो इंटरेस्ट वैलिड है या नहीं है। ए ने ट्रांसफर करी प्रॉपर्टी बी को, आंसर वैसे आपने देख लिया होगा बट फिर भी क्वेश्चन अच्छा है, बताना आप मुझे। ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू बी इन ट्रस्ट फॉर सी एंड डायरेक्ट बी टू गिव पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू सी व्हेन ही अटेन्स द एज ऑफ 25। सी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इज कॉन्टिजेंट है, वेस्टेड है, नाइदर कॉन्टिजेंट नॉर वेस्टेड, बताइए। Why wasted, why not contingent? Sir, ये neither नहीं होगा। Neither तो नहीं है, दो में से एक। क्योंकि B ने property transfer कर दी है।
ए ने ट्रांसफर कर दिए बी को, तो उसका वेस्टेड इंटरेस्ट तो तभी क्रिएट हो जाएगा जब ट्रांसफर कर दिया प्रॉपर्टी। हाँ जी देखो यहाँ पर इसका आंसर है वेस्टेड इंटरेस्ट। रीजन क्या है इसका, इसने ऑलरेडी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है बी को, और सी जो ऑलरेडी बर्थ लिया हुआ इंसान है ना, ठीक है, उसने तो ऑलरेडी जन्म ले रखा है, यहाँ लिखा तो है नहीं अनबॉर्न, अगर अनबॉर्न होता तो बर्थ लेता तो वेस्टेड होता, ये ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है तो उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है, बट उसको मिलेगी कब प्रॉपर्टी। यहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट में क्या हो रहा है, इसके पास ऑनरशिप तो चली गई है बट एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इज बीन पोस्टपोन ओनली फॉर 25 years, when he attaining the age of 25, then he can enjoy the property, ठीक है? तो vested होना चाहिए इसका आंसर। हाँ यामिनी आप नाइदर की बोल रहे हैं इसको। सर वही 25 years लिखा था कि ये देखो वहां पे 25 के क्या लिखा है, माइनॉरिटी वाली बात लिखी है ना, बर्थ वाली सिचुएशन में है वो। अब देखो यहाँ पर क्या है, सर्टेनिटी तो आ रही है ना कि इंसान को अब ये कितने टाइम तक के लिए होल्ड करेगा प्रॉपर्टी, ज्यादा से ज्यादा ये ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी कितने टाइम तक के लिए टाइड अप है। ये इंसान अभी जीवित है बी, ये सी इंसान भी जीवित है, लिविंग पर्सन है ना ये, ठीक है, और ये इंसान मरेगा तो सही 25 के बाद, ये कहीं जाके तो मरेगा, तो इसलिए ये सर्टेन है, तो इसलिए इसको अगर यहाँ बता पे सी, रहा अगर अगर सी यहाँ पे अनबॉर्न होता तो ये वॉइड हो जाते ना है। फिर। बिल्कुल हो जाता तो 18 साल होना चाहिए था यहाँ अगर ये अनबॉर्न होता तो, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना ये 25 का जगह 55 साल बाद मिलेगी उसको प्रॉपर्टी, तो मैंने सिर्फ एक जो कंट्रोल करी है प्रॉपर्टी को एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक, वो 55 के बाद अगर उसको मिल रही है तो आगे जाके वो कहीं ना कहीं जाके तो मरेगा, ठीक है, उसकी डेथ तो सर्टेन है ही, तो इसलिए वेस्टेड है। ओके अब ये बताइए, ए बाय सेटलमेंट डी ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू बी फॉर द लाइफ एंड देन टू एस, एंड देन टू एस, उसके बाद एस के पास जाएगी प्रॉपर्टी। एस डाइज बिफोर पी, एस मर जाता है पहले ही, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी वेस्टेड है प्रॉपर्टी नहीं है। ऑन द डेथ पी दी एयर्स ऑफ एस क्लेम्स द प्रॉपर्टी, इज द क्लेम इज वैलिड, यस वैलिड है, और ये क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट कैसा होता है, हेरिटेबल होता है, तो आंसर इज वैलिड। नाउ ए वेयर ऑन द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन इज क्लेम इन फेवर ऑफ द पर्सन विदाउट स्पेसिफिंग द टाइम, जब टाइम नहीं बताया गया है, व्हेन इट इज टेक इफेक्ट ऑन द टर्म स्पेसिफाई दैट इज टू टेक इफेक्ट फॉर विद और हैपनिंग ऑफ द इवेंट व्हिच मस्ट हैपन, सच इंटरेस्ट इज, कैसा होता है ये, यस कॉन्टिजेंट है वेस्टेड वैसे है। यहाँ क्या लिखा है, मस्ट हैपन लिखा है ना, होना तय है वो चीज, किसी की डेथ भी होनी सर्टेन है, होगा ही होगा विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइम, तीन चीजें पढ़ी थी ना हमने, उसी वक्त प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है अगर आप टाइम नहीं बता रहे हैं, और ये टाइम बता रहे तो टाइम पे होगी प्रॉपर्टी ट्रांसफर, और अगर हैपनिंग और नॉट हैपनिंग और हैपनिंग ऑन द हैपनिंग ऑफ व्हिच मस्ट हैपन, जो होना तय है तो वेस्टेड होता है। सेक्शन 19, अ मैन गिफ्ट इज प्रॉपर्टी टू टेम्पल, मंदिर में प्रॉपर्टी देता है सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑन द डेथ ऑफ वाइफ, उसकी वाइफ की डेथ होगी तब प्रॉपर्टी मंदिर में जाएगी, व्हाट इज क्रिएटेड बाय द ट्रांसफर, क्या है ये, कॉन्टीजेंट है, वेस्टेड है, या फिर स्पेस सक्सेशनिस है। हाँ जी, वेस्टेड मैन गिफ्ट इज प्रॉपर्टी टू टेम्पल, गिफ्ट क्या होता है, एब्सोल्यूट ट्रांसफर है ना, और डेथ क्या है, डेथ कैसी है, वाइफ का मरना तय है, ऐसा तो है नहीं, वो अमर हो जाएगी, तो यहाँ पर अनसर्टेन, ये डेथ इज सर्टेन, सेक्शन 19 अप्लाई होगा, तो वेस्टेड इंटरेस्ट होगा, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट बड़े डेंजर है, दिखने में आसान लग रहे हैं, लेकिन जिसने अगर बेरेट को नहीं समझा, क्लासेस ढंग से नहीं ली होगी, उसको समझ में भी नहीं आ रही होंगे, और अगर जिसने मिस कर दिया तो पुराने लेक्चर देख लीजिए, 40, 53 तक सारा कंप्लीट है, एक एक सेक्शन को डील किया गया है। अंडर टीपीए व्हेन कैन अ अनबॉर्न पर्सन एक्वायर वेस्टेड इंटरेस्ट ऑन द ट्रांसफर ऑफ हिज बेनिफिट, कब मिलता है, सेक्शन 20 की बात कर रहा है ना, यस अबाउट इज बर्थ अपॉन इज बर्थ, ये पेपर में बहुत बार आता है क्वेश्चन एमसीक्यू, देखो कितनी जगह आया भाई, देख रहे हो 18, 16, 12 आ ही रहा है, बार बार आ रहा है, ये आता है क्वेश्चन, अब जगह नहीं होगी, नहीं तो इससे ज्यादा भर जाता।
नाउ सेक्शन 21 ऑफ द टीपीए डील विद द, किससे डील करता है? तो आसान है, कॉन्टिजन इंटरेस्ट। कॉन्टिजन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी बिकम्स अ वेस्टेड, कब हो जाती है वेस्टेड? ऑन द हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट, या तो अनसर्टेन इवेंट हो जाए, या व्हेन द हैपनिंग ऑफ अ इवेंट बिकम इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल आएगा, फ्लो में ही बोल गया मैं तो। चलो बी है, बेरेट है, कुछ लॉजिकल क्वेश्चन है बस। नाउ वेयर ऑन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ अ पर्सन हु टू टेक इफेक्ट ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट द ट्रांसफर इज कॉल्ड, कैसे ट्रांसफर कहलाएगा? पहले तो समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ट्रांसफर किया गया इंटरेस्ट देयर इन क्रिएटेड इन फेवर ऑफ पर्सन टू टेक इफेक्ट ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट। क्या लिखा है वर्ड अनसर्टेन इवेंट? अनसर्टेनिटी क्या होती है? कंटिजेंट होती है। तो आंसर इज डी, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। चलो ये बता दीजिए, विच ऑफ द नॉट करेक्टली मैच, कौन सा सही नहीं है? रूल अगेंस्ट प्रोपोजल ठीक है, कंडीशनल ट्रांसफर 25 होता है, वेस्टेड 19, ठीक है, यही है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो मजा ही आ जाए। एमपी में आता है डीपीए? यस सर, एमपी में हाँ यस सर आता है। सेक्शन 25 ऑफ टीपीए एंड डील्स विद, अच्छा एमपी का एपीओ का भी एग्जाम है सर, तो उसके लिए हम एलिजिबल नहीं थे ना। अच्छा, एलिजिबिलिटी नहीं थे मतलब उसमें ना, वहाँ पे वहाँ के इलेक्ट्रोल में कुछ नाम होना चाहिए, ऐसा कुछ था उसपे। अच्छा, चलो आज ही नोटिस आया उसके एग्जाम का। सेक्शन 25 ऑफ टीपीए डील्स विद कंडीशन प्रेसिडेंट, चलो ये तो आसान है। कंडीशन प्रेसिडेंट, सब्सिक्वेंट कोलैटरल। चलो ये बताइए, आसान सा क्वेश्चन है वैसे तो। ए लेट्स द फर्म टू बी, अपनी जमीन देता है या फर्म देता है बी को ऑन अ कंडीशन दैट ही शैल वॉक, अरे एक घंटे में 100 मील कोई चलेगा क्या? ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? इस सेक्शन में लिखा है, ये इलस्ट्रेशन है, ये 25 की कितनी इलस्ट्रेशन है, वहां से पहली इलस्ट्रेशन यही दे रखी है। जिसने बेरेट को पढ़ लिया ना आंखों में, कैमरे की तरह कैच कर लिया, फेल नहीं हो सकता वो पेपर में। 89 देखते हैं क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ द वैलिड कंडीशनल ट्रांसफर, एग्जाम्पल कौन सा सही है? चलो पहला तो हो ही नहीं सकता, अभी गलत किया हमने। A transfer rupees 500 rupees to be on a condition that she shall murder C, or A against the public policy or defeating the provision of law. B. तो है ही नहीं, गलत है। C क्या कहता है? ट्रांसफर 500 रुपए अपनी भतीजी को देता है, अरे ये तो अगेंस्ट दी पब्लिक पॉलिसी हो गया, अपने पति को छोड़ दे। A transfer 500 रुपए to B on condition that shall execute a certain lease within a 3 month after, ठीक है, मरने के बाद ये करेगा, ठीक है। D is answer. Which of the following would be valid transfer under the Transfer Property Act? कौन सा valid transfer होगा? चलो बताइए, ये तो हो ही नहीं सकता, पहला वाला ऑप्शन गलत। कंडीशन दैट इज मैरिज एज ऑर्डर एट द डेट ऑफ द ट्रांसफर सी डिवोर्स डेड, ये भी वैलिड ट्रांसफर नहीं होगा, उससे पहले आ गई। तो ए ट्रांसफर 500 रुपए टू बी ऑन अ कंडीशन शी शैल मर्डर सी अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी हो गया सी। ए ट्रांसफर 5000 रुपए बी को देता है कंडीशन दैट ही शैल मैरी विद द कंसेंट ऑफ सी डी ई, ई मर जाता है, बी मैरिज विद द कंसेंट ऑफ सी डी। अब मुझे आप ये बता दीजिए, ये किस सेक्शन की बात कर रहा है? डी 26 का ही इलस्ट्रेशन है ये, और उस इलस्ट्रेशन में हमने क्या पढ़ा था, कौन सा डॉक्ट्रिन पढ़ा है? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट, अरे साइप्रस, साइप्रस जब चूज जब चीज एज इट इज नहीं हो पाती तो उसके आसपास की चीज कर सकते हैं ना। यस सर, डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस, अरे वो मैंने बताया था, हॉस्पिटल बनवाने की बात हुई थी, ऑलरेडी कैंसर का हॉस्पिटल बन चुका था, कोई और हॉस्पिटल बना दो, ठीक है, इंसान की इंटेंशन ही तो फुलफिल करनी है, पब्लिक पर्पस चाहता था वो, तो दैट कैन बी फुलफिल्ड। ए गिव्स 5500 रुपए देता है बी को ऑन अ कंडीशन दैट बी शैल मैरी हिज डॉटर जी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर जी वाज डेड, जी मर चुकी है,
द ट्रांसफर इज वॉइड अंडर विच सेक्शन ऑफ द टीपीए बताइए. हाँ जी 26 में कैसे हो जाएगा, तो साइप्रस है वहां तो करने की बात की गई है, यहाँ तो वॉइड हो गया, कॉन्ट्रैक्टिव वर्ड हो गया, जी मर गई. तो 27 थोड़ी ना एक्सेलरेशन थोड़ी ना जाएगा, कूदने थोड़ी ना एक के ऊपर एक, ये नहीं होगा तो वो यहाँ पे लिखेगा वो कंडीशन. तो आंसर इज 25. दोबारा पढ़ लो चाहे. ऑन द डेट ऑफ जी, ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर जी, जी कौन है जिससे शादी करनी है, वो ही मर गई तो कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया. वैसे तो फ्रस्ट्रेट हो गया, तो फ्रस्ट्रेट हो गया तो वॉइड, वॉइड की बात कहाँ लिखी है, सेक्शन 25. सेक्शन 25 में क्या क्या लिखा है, सर इम्पॉसिबिलिटी लिखा है और बाकी 23 इम्पॉसिबिलिटी है ना. इम्पॉसिबिलिटी तो पहला ही पॉइंट है, पर इम्पॉसिबिलिटी विल बी ट्रीटेड एज अ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना. सेक्शन 56 भी तो पढ़ा होगा आपने. किसका, कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ. ठीक है चलो, डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस ये बता ही दिया आपको. सेक्शन 26 पेपर में आ सकता है सीधा. ए ट्रांसफर 5,000 रुपए देता है अपनी भतीजी को. बी इफ शी विल मैरी, इफ शी विल डेजर्ट हर हस्बैंड, हस्बैंड को छोड़ देगी तो कैसा है, वॉइडेबल है, वॉइड है. सेक्शन कहाँ दे रखा है ये इलस्ट्रेशन किसकी है, सेक्शन 25 की है, वॉइड. In case of a transfer depending upon the condition precedent, the transfer take place when the condition is substantially fulfilled. कौन सा सेक्शन की बात की गई है, substantially fulfilled होनी चाहिए, कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 28 है 29 है, 26 होना चाहिए. हाँ जी 26 नहीं होगा, substantially complied with 26. कौन सी twin sister है, 29 and 26. उसमें भी 26 और 29. ठीक है, strictly complied with लिखा हुआ ना पे 29 में. यहाँ substantially मान लिया गया ना 26 में, क्या आप फुलफिल हो गई है, माना कि आप कैंसर हॉस्पिटल नहीं बना रहे पा रहे हैं तो कोई और हॉस्पिटल बना दो. सर आपने क्या बोला, 26 में तो substantially, 29 में strictly fulfilled. ठीक है, इलस्ट्रेशन पढ़ लेना सारी, उसमें है ना 17 साल की, इससे पहले वो कहीं और शादी कर लेता. ओके, अंडर द ट्रांसफर प्रॉपर्टी ए ट्रांसफर रुपीज 5,000 रुपए टू बी ऑन अ कंडीशन दैट ही शैल मैरी विद द कंसेंट, ये वही तो आ गया, कंसेंट ऑफ सी डी ई. ई मर जाता है, ई डाइस, बी मैरिज विद द कंसेंट ऑफ जी, ये तो वो हो गया, साइप्रस हो गया, ट्रांसफर इज वैलिड होगा. 26 भाई जो मर चुका है उसे कंसेंट थोड़ी ना ले पाएंगे, तो जो जिंदा है उनके कंसेंट ले लो. डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस. ए एक्स ट्रांसफर 5,000 रुपए टू वाई ऑन अ कंडीशन दैट ही शैल मैरी विद द कंसेंट ऑफ ए बी सी. वाई मैरिड विदाउट द कंसेंट ऑफ ए बी सी बट ऑब्टेन देयर कंसेंट आफ्टर. अरे बाद में नहीं चाहिए कि पहले चाहिए, कंडीशन प्रेसिडेंट है. ठीक है, पहले ही तो कंडीशन है, बाद वाली कंडीशन है. नॉट फुलफिल्ड कंडीशन माना जाएगा, नॉट फुलफिल्ड द कंडीशन. आंसर इज बी. देखते हैं आंसर में क्या लिखा बी. ये कंडीशन कैसी है, कंडीशन सब्सिक्वेंट है या प्रीसिडेंट है? प्रीसिडेंट है सर, प्रीसिडेंट है, पहले जुड़ी है, पहले भैया तू एक्स ट्रांसफर. ठीक है कंडीशन, ठीक है उससे शादी करेगा तो प्रॉपर्टी जाएगी, 5,000 देगा. पहले करो शादी फिर लो पैसा, एक होती है ना कंडीशन, पहले तू शादी कर ले, शादी करने के बाद मैं तेरे को 5,000 दूंगा. तो हमने पढ़ा था कंडीशन प्रेसिडेंट, कंडीशन सब्सिक्वेंट, दोनों चीजें कर चुके हैं. चलो ए ट्रांसफर 5,000 रुपए देता है बी को ना कंडीशन दैट ही शैल मैरी विद द कंसेंट ऑफ बी सी डी ई. बी मैरिज विदाउट द कंसेंट ऑफ सी डी ई बट ऑब्टेन देयर कंसेंट आफ्टर द मैरिज. ये तो बेकार ही क्वेश्चन है, सिंपल सा है. Has B fulfilled a condition? No. Answer is no. उसने condition fulfill करी? नहीं करी. Which one of the following statement is not correct? कौन से statement correct नहीं है? पढ़िए correct statements को. पढ़िए. A ने transfer करता अपना farm to B for her life.
जीते जी आप यूज करेंगे, एंड इफ शी डज नॉट डेजर्ट हर हस्बैंड टू सी, अगर अपने पति को नहीं छोड़ेगी तो सी के पास जाएगी. बी इज एंटाइटल्ड टू द फार्म ड्यूरिंग हर लाइफ एज इफ नो कंडीशन हैड बीन इंसिस्टेड. सही है गलत है? जो सही है. ऐसा हो सकता है? इट डज नॉट डेजर्ट हर हस्बैंड. एक्स ट्रांसफर 5,000 रुपए टू बी इन अ कंडीशन दैट ही शैल मैरी विद द कंसेंट ऑफ डी DNA, but obtain the consent. ये तो है ही नहीं, ये सही नहीं है. Which of the following is not correct? B तो गलत ही है. A living person can transfer the property to himself. ये भी ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है. B गलत, B गलत है. अभी देख लेते हैं D क्या कहता है. A vested interest is not defeated by the death of the transferee. ठीक है, before he obtained the possession. ये भी ठीक है. Vested interest के बाद अगर वो मर गया है जिसको जानी है absolute property, उससे क्या फर्क पड़ता है, उसके legal transferee को चली जाएगी. तो answer is B, वही वाला गलत है, husband वाला. Provision based on doctrine of acceleration. Acceleration कहाँ दे रखा है? क्या होता है acceleration? 27 में है. क्या होता है एक्सेलरेशन? अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा कर देना, ठीक है, अगर ये नहीं हो पाया तो वो कर देना, ठीक है. एक्सेलरेशन जंप करके दूसरी पे चीज चली जाती है. ए ट्रांसफर रुपीज 5,000 टू बी ऑन अ कंडीशन दैट ही शैल एग्जीक्यूट अ सर्टेन लीज विद इन 3 months आफ्टर हिज डेथ एंड इफ ही शुड निग्लेक्ट टू डू सो to see B dies in his lifetime, kya hoga? Which section, kin section ki baat kar raha hai ye? Acceleration. Haan ji, acceleration to ek minute ruke. A transfer karta hai 5,000 rupaye B ke upar on a condition that he shall execute a certain lease within a 3 months. Ye to valid hai ki mare marne ke baad to 3 mahine mein lease banayega. And if he should neglect, वो ऐसा नहीं करता है to see go, B dies in the age lifetime. ये तो illustration है 27 की. Yes. Illustration ही तो है ये. 27 की illustration है, सीधी सीधी दे रखी है. देखो यहाँ पे जो first. हाँ जी बोलिए. Illustration आपने पढ़ रखी है ना, तो आपका question गलत ही नहीं होंगे. TPA में illustration से question आते हैं. टीपी में 3-4 चीजों से क्वेश्चन आएंगे, कि इलस्ट्रेशन आएंगे, सेक्शन बेस आएंगे, केस लॉज बेस आएंगे और डॉक्ट्रिन आ जाएंगे, डॉक्ट्रिन्स, ठीक है. जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन कहाँ है, डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस कहाँ है, मार्शलिंग कहाँ है, सबसिक्वेंट सिक्योरिटीज कहाँ पर है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है. तो मैंने आपको पहली जब क्लास ली थी तो बहुत सारे डॉक्ट्रिन के सेक्शन पहले ही लिखा दिए थे, याद रखना उन चीजों को माइंड में. A transfer a farm to be for his life with a proviso that if in case we cut down, अगर वो पेड़ काट लेगा, मैं तेरे को ट्रांसफर तो कर रहा हूँ, लेकिन अगर तूने पेड़ काटे तो प्रॉपर्टी मेरे पास वापिस आ जाएगी. Shall ceases to have effect. ये कहाँ दे रखा है, ये एग्जाम्पल कौन से सेक्शन में दे रखा है? Strictly complied with होना चाहिए ना, strictly complied with. कहाँ लिखा है strictly complied with? 29 में है. वैसे पेड़ वाली बात कहाँ लिखी हुई है? हाँ जी, पेड़ वाली बात कहाँ लिखी हुई याद है कुछ? देखो ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर तो कर दिया, यानी ट्रांसफर पहले हुआ है, विद द प्रोविजो दैट इफ इन केस बी कट्स डाउन अ सर्टेन वुड, अगर वो लकड़ी काटता है, द ट्रांसफर शैल सीजेस टू हैव इफेक्ट. बी कट्स डाउन द वुड, वो लकड़ी काट डालता है, What will be the effect? अब उसका जो life interest दिया है वो लूज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. ये हम बात की बात कर रहे हैं ना, कि पहले तो ट्रांसफर हो गया है, तो ये पहली बात, तो ये सब्सिक्वेंट कंडीशन वाली बात कर रहा है. कंडीशन सब्सिक्वेंट, कंडीशन सब्सिक्वेंट वाले सेक्शन कहाँ से स्टार्ट होते हैं? हाँ जी, 29 से होते हैं. हाँ जी, ये है, वैसे तो 28 भी है, 29, 30, ये बात कर रहा है आपको, 31 की इलस्ट्रेशन दे रखी है, ठीक है. वहां पे उसका अधिकार चला जाता है, पेड़ काट लेगा, तो कंडीशन अटैच थी ना सब्सिक्वेंट, अगर तूने ऐसा किया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कंडीशन इंटरेस्ट ठीक है,
एक्युमुलेशन भी ठीक है, फुलफिल ऑफ द कंडीशन सब्सिक्वेंट ये गलत है। प्रायोरिटी, यही गलत है, सी गलत है। ये कहाँ दे रखा है? ये 29 में दे रखा है ना, 29 में है ना ये दो यस सर। सेक्शन, याद कर लो। बेस कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे वैसे। विच ऑफ द फॉलोइंग डील इन द डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन? 35 क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन? Choose owner of the property a right to either accept the offer or reject the offer. You cannot choose the both the thing at the same time. दोनों चीजें नहीं कर सकता। Can he approbate or reprobate at the same time? No, no. sir. ठीक है। He can he blow the hot and cold at the same time? No. किसने कहा? कौन से केस में कहा hot and blow? No. हाँ जी। हॉट एंड कोल्ड तो कॉडिंगटन लॉर्ड कैनियन ने बोला है, और प्रोबेटिव एंड अप्रोबेटिव एंड रिप्रोबेट वाली बात कॉडिंगटन वर्सेस कॉडिंगटन। हाँ जी, कॉडिंगटन या कॉडिंगटन, व्हाटएवर यू कैन कॉल इट, कॉडिंगटन वर्सेस कॉडिंगटन। एंड लॉर्ड कैनन ने कहा है हॉट एंड ब्लो कैन नॉट बी एट द सेम टाइम। चट भी अपनी पट भी अपनी नहीं हो सकता। सेक्शन 35, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन द ट्रांसफर ऑफ द प्रोवाइड दैट द पर्सन टेकिंग द बेनिफिट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मस्ट ऑल्सो बियर द बर्डन? 35 ठीक है। अगर आप बेनिफिट चाहते हैं तो बर्डन भी लेना पड़ेगा आपको। प्रॉपर्टी अगर लेनी है, अगर आपको पैसा लेना है बेनिफिट, तो आपको प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ेगी। अ मैन इज नॉट अलाउड टू अप्रोबेट एंड रिप्रोबेट द सेम टाइम। आ गई ये वाली बात। दिस रूल्स प्रोवाइड बेसिस फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन? किसकी बात करता है? डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन ठीक है। फीडिंग ऑफ ग्रांट बाय स्टॉपल सेक्शन कौन सा है? 43। और पार्ट परफॉर्मेंस 53A। कौन सी ईयर में ऐड हुआ है? 1929। कौन से केस में बात की गई थी पार्ट परफॉर्मेंस? इंग्लैंड में। मेडिसन वर्सेस एंडरसन। अरे याद नहीं कर रहे तुम लोग, कल की क्लास थी ये तो। और इंडिया में वो केस है जो नाम था कुरिल, कुरिल क्या नाम है उसका, उसके बाद मोहम्मद मूसा, मोहम्मद मूसा के बाद आरिफ, और आरिफ के बाद आया 1929 अमेंडमेंट। तो याद करो सीक्वेंस, कौन याद करेगा? डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन कम अंडर द चैप्टर कौन से में आता है? 2 में आता है। आसान सा क्वेश्चन है, 53A तक आता है ना। 35 of TPA is applicable to what? Immovable. दोनों पे करेगा। B. All kind of the property. Now, foundation of the doctrine of election under the transfer property is that a person taking the benefit of instrument must bear the burden. Burden लेगा नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा। भाई अपने अगर तुम्हें पैसा चाहिए बेनिफिट चाहिए तो बर्डन भी लो प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी वापस दो। द डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन इज एप्लीकेबल टू हिंदूज मुस्लिम क्रिश्चियन ऑल? सब पे अप्लाई होगा नहीं होगा, या मुस्लिम पे नहीं होगा? बताइए जल्दी से। हाँ जी सर, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताइए जल्दी से। सब अप्लाई होता है ठीक है। वैसे चैप्टर 2 मुस्लिम पे अप्लाई नहीं होगा, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन अप्लाई होता है मुस्लिम पे भी ठीक है। इफ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इलेक्ट्स टू डिसेंट फ्रॉम द ट्रांसफर अंडर सेक्शन 35 ऑफ टीपीए, द डिसअपॉइंटेड ट्रांसफर इज एंटाइटल्ड टू बी कंपनसेटेड। कब मिलेगा उसको कंपनसेशन? अरे तीन कंडीशन है ना, ग्रैटिशियस हो, ग्रैट्यूटियस हो, या नॉन ग्रैट्यूटियस हो। अगर ग्रेजुएटर से तो कब मिलेगा? ट्रांसफर और सेकंड क्या थी? इनकैपेबल ऑफ ट्रांसफर, नॉट मेकिंग, नॉट एबल टू मेक अ फ्रेश ट्रांसफर, फ्रेश ट्रांसफर नहीं कर सकता। और अगर नॉन ग्रेजुएटर है तो कंसिडरेशन होना चाहिए। बस तीन बातें हैं, पढ़ लीजिए इसको। द ट्रांसफर इज ग्रेजुएटर एंड द ट्रांसफर डाइज, पहला बिल्कुल ठीक है। The transfer is gratuitous and the transfer become incapable of making a fresh transfer. ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। और भी transfer is for consideration, all above the above.
ठीक है, याद करो कॉन्सेप्ट को, दिमाग में ऐसे डाल लो कि भाई पूरा बेरट दिमाग में रहना चाहिए। विद केस लॉज द फार्म ऑफ सुल्तानपुर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सी एंड द वर्थ 5,000 80,000 रुपए की उसकी वैल्यू है। ए बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गिफ्ट प्रोफेस टू ट्रांसफर इट टू बी गिविंग बाय द सेम इंस्ट्रूमेंट ₹1,000 टू सी। ए डाइज बिफोर द इलेक्शन बी शैल बी एंटाइटल एंटाइट मिलेगा नहीं मिलेगा उसको। 80,000 द फार्म ऑफ सुल्तानपुर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सी, सी की है प्रॉपर्टी ठीक है, हाँ जिसकी 80,000 रुपये वैल्यू है। ए क्या कर रहा है बाय द ट्रांसफर ऑफ द गिफ्ट, गिफ्ट का मतलब क्या हुआ कैसा हो गया ग्रेटिटियस हो गया। प्रोफेसर टू ट्रांसफर इट टू बी, बी को देना चाहता है गिविंग द सेम इंस्ट्रूमेंट, 1,000 रुपये दे रहा है किसको, 1,00,000 रुपये देता सी को ठीक है, लेकिन मर जाता है पहले। ए डाइज बिफोर द इलेक्शन, तो इसमें अब ऑफ कोर्स ही बात है ये है आपका फ्री वाला है ना विदाउट कंसिडरेशन, तो बी को कितना मिलेगा, डिसअपॉइंटेड ट्रांसफर ही हो गया ना, बी बी इज अ डिसअपॉइंटेड ट्रांसफर ही, कितना कंपनसेशन मिलेगा, 20,000 मिलेगा 80 मिलेगा, या सर 80,000 मिलेगा। देखो आंसर देखो कैसे समझ में आ जाएगा। ए मर चुका है, ए जब मर चुका है यहाँ लिखा हुआ एज रिप्रेजेंटेटिव, आंसर तो वैसे ही मिल गया, थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है। तो ए जो एंटाइटल होगा 80,000 रुपये लेगा किससे, सॉरी सी इज एंटाइटल, कौन है यहाँ पे एक मिनट, डिसअपॉइंटेड ट्रांसफर ये बी, तो बी इज एंटाइटल टू गेट 80,000 रुपीज फ्रॉम एज रिप्रेजेंटेटिव्स ठीक है। द प्रोविजन रिगार्डिंग अपॉर्शनमेंट बाय द टाइम, अच्छा अपॉर्शनमेंट कितने टाइप के होते हैं, दो कौन कौन से हैं, टाइम एंड प्लेस और बाय टाइम एंड एस्टेट, प्लेस थोड़ी ना है, स्टेट है सॉरी एस्टेट संपत्ति। अपॉर्शनमेंट का मतलब क्या होता है, अपॉर्शनमेंट प्रोपोर्शनेट डिवीजन। डिवीजन करना डिवाइड करना। रेंट आता है ना, रेंट किसके पास जाएगा, 15 तारीख तक का रेंट, 15 को सेल हुई है तो जाएगा किसके पास, पुराने मालिक के पास, 15 तक का, 15 के नहीं का। और अगर हम एस्टेट की बात करें तो हाँ जी शेयर के हिसाब से जाएगा, चलो ठीक है, कर रहा था ना वो 15 रुपये 7.5 से 7.5 करके देख लेना। तो टाइम वाली बात कहाँ लिखी है, 36 में लिखी है 37 में लिखी है, 36 में टाइम है एस्टेट है, 37 डॉक्ट्रिन ऑफ एक सेकेंड, 36 टीपीए इज डीलिंग विद रिलेटिंग टू दी अपॉर्शनमेंट, डी इलेक्शन 35, साइप्रस 26, एक्सेलरेशन 27, अपॉर्शनमेंट 36। 37 किससे डील करता है, सबसे क्यों सिक्योरिटी बी हाँ जी बताइए, इलेक्शन नहीं हो सकता, मार्शलिंग नहीं हो सकता, कॉन्ट्रीब्यूशन है या नहीं है, कौन सा है बताइए, कंट्रीब्यूशन डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, ये सब्स्टिट्यूट सिक्योरिटी 71 है, क्या नाम है तुम्हारा, हर्षना हाँ 71 जी, सेवेंटी वन लिख लेना सब्स्टिट्यूट सिक्योरिटी पे, ये तो कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये कहाँ से पढ़ लिया आपने, कंट्रीब्यूशन ओके ये सब्स्टिट्यूट सिक्योरिटी 71 है। इलेक्शन पता है, मार्शलिंग कौन सा है, अरे डॉक्टर 52 56 56 ठीक है, आसान से ही तो 81 में भी है वैसे, मार्शलिंग, मार्शलिंग ऑफ सेल 56 और मार्शलिंग ऑफ मॉर्गेज, मार्शलिंग ऑन मॉर्गेज 81 पढ़ेंगे इसको बाद में। ए हैज लेट हाउस एट अ रेंट ऑफ 100 रुपीज पेबल ऑन द लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। पहली बात तो ये अपॉर्शनमेंट पे ही है, ए ने अपना घर क्या दिया, किराए पे दिया है 100 रुपए में, पेबल ऑन द लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ, हर महीने की आखिरी डेट पे जाएगा पैसा रेंट।
ए सेल हाउस टू बी ऑन दी 15 तारीख को, 15 तारीख तक का रेंट किसके पास जाएगा, पुराने या नए वाले पे, पुराने वाले पे जाएगा। ऑन 30 जून व्हाट विल बी अपॉर्शनमेंट, ए को कितना मिलेगा, 50-50 पचास पचास मिल जाएगा, सही आंसर होना चाहिए, लॉजिकल। ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ऑनर कहाँ दे रखा है, 41। चलो बहुत बढ़िया, सिंपल एंड सोबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, और ठीक है, परपेचुटी ठीक है, इलेक्शन ठीक है, ऑस्टेंसिबल ऑनर गलत है, ये है। ट्रांसफर प्रॉपर्टी बाय ऑस्टेंसिबल ऑनर फॉर कंसिडरेशन शैल बी, कैसा होगा, valid shall be valid not be voidable provided transfer action in good faith, c answer hai iska, c hoga ye sir, ye pura padhna padega na, not be voidable, haan ji voidable nahi hoga, provided wo acted kare transfer in a good faith, c answer hai। Now section 41 of the TPA is the statutory application of the law of स्टॉपल है, दो सेक्शन है स्टॉपल के, ठीक है, 41 एंड 43 भी स्टॉपल का ही पार्ट है, 43 भी स्टॉपल ही है। 41 ऑफ द टीपीए एप्लीकेबल टू वॉलंटरी ट्रांसफर एंड हैज नो एप्लीकेशन टू, ये कौन सा, प्राइसलेस सेल नहीं पड़ा, कॉन्टिजेंट सेल नहीं पड़ा, परपेचुटी कोर्ट सेल, चलो कोर्ट सेल में अप्लाई नहीं होगा सर, ये प्राइसलेस सेल नहीं होगा, प्राइसलेस सेल मींस वॉलंटरी ट्रांसफर एंड हैज नो एप्लीकेशन टू, एक बार देख लेते हैं डायरेक्ट क्या लिखा है, ऐसा कुछ लिखा नहीं वैसे प्राइसलेस, ट्रांसफर शैल नॉट बी वॉइडेबल एट द ग्राउंड दैट द ट्रांसफर वॉज नॉट ऑथराइज टू मेक इट, provided the transferee after taking the reasonable care to ascertain that the transfer has power to make the transfer has acted in good faith। Doubtful question है, दो ही answer question हो सकते हैं, priceless भी हो सकता है, priceless sale has no application to priceless sale, यानी ये हो रहा है ना without consideration हो रहा है, इसको आप ये कह रहे हैं ना priceless without consideration, ठीक है, गलत हो सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है देख लेंगे, वैसे तो कोर्ट सेल तो पे तो अप्लाई होता नहीं है, ये तो आंसर ठीक ही है, लेकिन अगर इसका इंटरप्रिटेशन निकाला जाए तो यही निकल के आ रहा है, इट इज विदाउट कंसिडरेशन। सेक्शन 41 ऑफ द टीबीए इज द स्टैट्यूटरी एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ एस्टॉपल, द स्टेटमेंट इज करेक्ट, बिल्कुल ठीक है, स्टॉपल ही तो है, ये भी रोक रहा है जिस ऑनर को, ये किसको रोकता है, स्टॉपल किसके रेफरेंस में अप्लाई हो रहा है, रियल ऑनर या रियल ऑनर, रियल ऑनर जो अपने सामने ऐसा चीज होते हुए देख रहा है, करने देता है। नाउ 122 रूल ऑफ फीडिंग द ग्रांट, फीडिंग द स्टॉपल इज कंटेन इन 43, इजी। Doctrine which requires that the transfer must deliver the subsequently acquired property to the transferee who has acted upon his false representation and did harm to himself by paying money for what he could not get is kya hai ye? Doctrine which requires that the transfer must deliver the subsequently acquired property to the transferee who acted upon his false representation and did harm to himself by paying money for what he could not get is called, ठीक है, feeding the grant by estoppel, वो नहीं करता अगर उसको ऐसा represent नहीं कराया जाता, ठीक है, feeding the grant by estoppel, section 43,
deals with the transfer by the unauthorized person who subsequently acquire interest in the involved property transferred unless doctrine of estoppel by deeds, by collection, right of exemption. Kya hoga? B hona chahiye answer? Yes, sir. By deed. Estoppel by deed. Estoppel by deed. हाँ जी बी आंसर अभी लेटेस्ट से आया 2019 में आया है राजस्थान में टीपी है अब तो आता नहीं है ये देख लेंगे राजस्थान का क्या सिलेबस है राजस्थान में वैसे आता नहीं है टीपी चेंज हो गया ना सिलेबस वैसे राजस्थान का Section 43 of the TBA enables a transfer to whom the transfer has made a fraudulent or erroneous representation to lay hold at his option of an interest which the transferor may subsequently acquire in the property provided does not adversely affect the right of any subsequent purchaser for the value without notice which the transferee may risk in the proceeding. Kya hoga iska answer? Iska answer kyun hai logic kya hai? तो वो कह रहा है कि परचेजर को सबसेकेंड परचेजर अगर वो वैल्यू यानी मींस विदाउट नोटिस और वैल्यू यानी कंसीडरेशन में खरीदता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता द लॉ प्रोटेक्ट्स द बोनाफाइड परचेजर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ सेक्शन 43 ऑफ 1882 एसेंशियल नहीं है रिप्रेजेंटेशन मस्ट नेसेसरी बी फ्रॉडलेंट हो या ना इससे क्या फर्क पड़ता है ट्रांसफर मेक्स अ रिप्रेजेंट दैट ही इज अ कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर ट्रांसफर इज ऑफ इमॉल प्रॉपर्टी ट्रांसफर इज फॉर द कंसिडरेशन दो बातें तो होनी चाहिए ये तो बिल्कुल क्लियर है सीओडी अब इसमें देख लो आप रिप्रेजेंटेशन मस्ट नेसेसरी बी फ्रॉडलेंट ट्रांसफर मेक्स अ रिप्रेजेंटेशन दैट ही कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर क्या आंसर होगा ए होना चाहिए हाँ जी इसमें जरूरत नहीं है फ्रॉडुलेंट हो या ना उससे क्या फर्क पड़ता है वेयर अ पर्सन फ्रॉडुलेंटली और इरोनियसली रिप्रेजेंट दैट इज ऑथराइज्ड टू ट्रांसफर कॉम्पिटेंट बी तो हो गया लेकिन हाँ रिप्रेजेंट मस्ट बी नेसेसरी भी फ्रॉडुलेंट इरोनियस भी हो सकता है ये आंसर है ठीक है चलो ये हमने कर लिया 126 तक अब हम और आगे भी करते हैं इसको 50 क्वेश्चन और है ओके आगे चलते हैं तो सेक्शन 127 क्या कहता है ए अ हिंदू हु हैज सेपरेटेड फ्रॉम हिज फादर पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए यामिनी एक बार A, a Hindu who has separated from his father B, sells to C three fields X, Y, and Z, representing that A is authorized to transfer these fields. Z does not belong to A, but on B's death, A obtains Z. C did not rescind the contract. Yes, Z does not belong to any ek property. A ko belong nahi karti hai, but on the B's death, A obtains Z. C did not risk in the contract और contract खारिज नहीं हुआ है ठीक है ये किस चीज का question है वैसे पहले आप मुझे बताइए कहाँ से आया ये question ये section 43 का है ना उसके पास A के पास पहले वो property नहीं थी but बाद में आ जाती है तो he has to sell the property अपनी property जो Z आ गई है उसके पास अब पहले जो नहीं थी उसको देनी पड़ेगी तो contract become infructuous हो जाएगा नहीं सी में रिक्वायर ए टू डिलीवर जेड टू हिम बिल्कुल कंपेल करेगा दबाव डालेगा प्रोवाइडेड सी डिड नॉट रेस्किंडेड द कॉन्ट्रैक्ट याद है ना yes, sir. ठीक है आगे चलते हैं तो आंसर इज बी एक्स सेल टू वाई द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड सब्सिक्वेंटली जेड डाइज एंड प्रॉपर्टी डिवॉल्व ऑन द एक्स बाय व्हिच डॉक्ट्राइन द सेट शैल बी वैलिड सेल विल बी वैलिड कौन से डॉक्ट्राइन की वजह से वैलिड होगी एक्स सेल वाई प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड ठीक है सब्सिक्वेंटली जेड मर जाता है और उसके बाद प्रॉपर्टी आ जाती है मे बी बिकॉज ऑफ अ लीगल एयर्स तो ये एस्टॉपल अप्लाई होगा ठीक है ये फिटिंग द ग्रांट ऑफ एस्टॉपल आसान सा है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है
नाउ प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल एनशिएटेड इज सेक्शन इन आएगा यहाँ पे इन सेक्शन 115 ऑफ एविडेंस एक्ट फाइंड इट एक्सप्रेशन इन दिस सेक्शन ऑफ द टीपीए कहाँ कहाँ मिलेगा तो ये मिलेगा 41 एंड 43 में एम आई राइट यस सर 43 सेक्शन 44 ऑफ टीपीए डील्स विद व्हाट ट्रांसफर बाय कोऑनर है ट्रांसफर बाय वन कोऑनर यही है ना इसका अरे दो में से एक दो या तीन में से एक ऑनर ट्रांसफर कर देता है अपना शेयर ऑफ इंटरेस्ट याद है कि तो दो तीन दिन पहले ही पढ़ा है बी आंसर होगा अ को ऑनर ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी अंडर ट्रांसफर प्रॉपर्टी में मेक अ वैलिड ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी बिल्कुल कर सकता है को ऑनर ओनली कैन गिव पोजेशन ओनली से क्या मतलब है ओनली कैन गिव अ राइट टू यूज फॉर द शॉर्ट पीरियड कैन नॉट मेक अ ट्रांसफर आंसर इज ए बिल्कुल कर सकता है एक प्रॉपर्टी के दो मालिक अपना हिस्सा दे रहा है वो क्या प्रॉब्लम है वेयर इमोबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर फॉर द कंसीडरेशन बाय पर्सन हैविंग अ डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट देयर इन but their interest in the property are equal value the transfer are bataiye chalo ye bade important questions hai technical hai I hope aapko yaad rahe honge where the immovable property is transferred for consideration by the person having a distinct interest therein but their interest in the property are of equal value the transfer are entitled to get equal share in the consideration to get unequal share in the consideration या entitled to get equal share subject to the further transaction in the future ऐसा तो कुछ है ही नहीं सी तो पढ़ा ही नहीं हमने कहीं तो दो में से एक है लेकिन यहाँ पर क्या है equal value की है तो equally right मिलेगा उनको share भी consideration भी equal मिलेगा but आपको मैंने बता दिया अगर common fund से पैसा गया तो common fund में हमारी कितनी हिस्सेदारी है वो matter करता है in the absence of contract अगर contract किया है तो as per the contract I hope you can remember the sections Now, doctrine nemo debt quid non habit. जिसके पास खुद टाइटल नहीं वो दूसरे को क्या टाइटल देगा जो खुद ऑनर नहीं वो किसको टाइटल दे सकता नहीं दे सकता ये अप्लाई कहाँ कहाँ होता है सेक्शन 41 डीलिंग विद दी ऑस्टेंसिबल ऑनर तब भी वो ट्रांसफर कर रहा है 42 में हमने बात करी थी वो ईट का जो बताया था मैंने आपको ईट का जो क्या बोलते हैं उसको भट्टा भट्टे के अंदर वो यूज करेगा रिजर्व कर रहा है राइट 43 में तो हो ही रहा है वहां पे फीडिंग द ग्रांड बाय द स्टॉपल एंड द 44 तो आंसर वुड बी 40 यही होगा ठीक है यही आंसर नेमो डेट क्विड नॉन हैबिट नो वन कैन चांस कन्फर अ बेटर टाइटल देन दैट व्हिच ही हिमसेल्फ हैज इज एन एस्टैब्लिश्ड रूल ऑफ व्हाट किसका है ये प्रिंसिपल टीपीए का है टॉर्ट्स का है या क्राइम का है या कॉन्ट्रैक्ट का है हाँ जी ये तो देखो आप बहुत जगह मिलेगा ये तो आपको आप मुझे बता दीजिए सेल्स ऑफ गुड्स में कहाँ है 27 में है ना ये तो वहां पे भी है वैसे तो ये काफी जगह अप्लाई होता है बट इसको सबसे ज्यादा हमने इसमें डील किया गया है कॉन्ट्रैक्ट इसमें ट्रांसफर में ये वैसे थोड़ा डाउटफुल है इसको हमें देना चाहिए इसका स्कोप और बड़ा देना चाहिए क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट 1872 टीपी 1882 चलो वैसे तो मेरे हिसाब से तो थोड़ा डाउटफुल है ये टीपीए में बहुत जगह यूज हुआ है बट ये कॉन्ट्रैक्ट का होना चाहिए वैसे आई थिंक सो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही तो है सारा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी वाइड स्कोप है ना इसका स्कोप वाइडर है ये चैलेंज हो सकता है क्योंकि टाइटल के बारे में बात कर रहे हैं ना कि टाइटल तो जो हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तभी वो क्वेश्चन आता है टाइटल वाला तो इसीलिए शायद रोल ऑफ ट्रांसफर वैसे जितने भी टीपीए हैं वो कॉन्ट्रैक्ट तो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट इसका वाइडर टर्म होना चाहिए बट ठीक है इन्होंने उस अप्रोच के साथ क्वेश्चन बनाया हो सकता है बट मेरे ख्याल से तो कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं तो टाइटल चलो नेवो डेट इसलिए टाइटल की बात कर रहा तो इसलिए ये हो सकता है बट इसका वाइडर स्कोप कॉन्ट्रैक्ट में है नाउ अंडर सेक्शन 49 ऑफ द टीपीए द ट्रांसफर इज एंटाइटल टू द बेनिफिट ऑफ द इंश्योरेंस कवर्ड अगेंस्ट द लॉस ऑफ द डैमेज बाय बताइए चलो फायर ही लिखा है ना डैमेज मैंने बताया भी था एम्फेसाइज फायर ओनली नेचुरल डैमेज के कुछ भी नहीं होगा
Now, within the meaning of section 51 of the TPA, the transferee is not entitled to the value of the improvement, is entitled to value of improvement as conditional entitlement. Bataiye, milega nahi milega usko usne jo paisa laga diya hai bona fide manner mein. Entitled hota hai, paisa milega. B. He who seeks equity must do equity is a juristic basis of which one of the section kis pe adharit hai bataiye. 51 पे है, 52 पे है, 53 बताइए. 51 क्या कहता है सर? अभी जो इंप्रूवमेंट हमने किया है वही कहता है. हाँ जी, वैसे तो ये 52 तो क्वेश्चन कई जगह अप्लाई होता है ये प्रोविजन. 53 पे अप्लाई नहीं होता क्या ये? यस सर. फ्रॉडुलेंट वाले पे अप्लाई नहीं होता, 53A पे अप्लाई होता. हाँ, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, तो 51 है. ठीक है, न्याय कर रहे हैं ना 51 में. भाई तूने पैसा लगा दिया तो तेरे को मिलेगा, डोंट वरी, टेंशन मत ले. 53A पे अप्लाई होता, लेकिन 53A पार्ट परफॉर्मेंस में तो तीन इक्विटी के प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं जो लिखवाए थे. डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस इज अ डील. 52, चलो आगे, इजी. द लिटररी मीनिंग ऑफ द लिस्ट पेंडेंस इज द सूट अंडर कंसिडरेशन ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ. प्रीवियस डिसीजन बार. ठीक है, ये तो रेस ज्यूडिकाटा थोड़ी ना है, यही आंसर होगा इसका. अभी कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, आप प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते. अगर प्रॉपर्टी बेच दी है तो जो न्यू ट्रांसफर ही होगा वो क्या होगा? डिसीजन से बाइंड होगा, नॉट बाउंडिंग होगा? बाउंड बाय द डिसीजन. व्हाटएवर द डिसीजन कम्स, ही हैज टू फॉलो इट. नाउ सेक्शन 52, द ट्रांसफरी विल बी बाउंड बाय द रिजल्ट ऑफ द सूट if he has knowledge of the litigation, if he had no knowledge of the litigation, even they made a bona fide inquiry, if he has paid adequate consideration for the purpose, whether transfer he has knowledge or not to the litigation, isse koi farak nahi padta, use pata ho ya na ho. Answer is D. theek hai, ye likh lena, ye bada important question hai, paper mein pucha gaya hai kai baar waise. theek hai, transferee ko pata ho ya na ho usse farak nahi padta. ab aapne khareed liya to you are bound with the decision of the court. 52 imposes a prohibition on the transfer or otherwise dealing of any property during the pendency of the suit, provided the condition laid down are satisfied. The statement is sahi hai galat hai? Otherwise dealing of any property during the pendency of the suit, provided the condition laid down in section are satisfied. 52 mein kya kya conditions hai? कॉल्यूसिव नहीं होना चाहिए. ये सारी कंडीशन फुलफिल करोगे तभी तो बात बनेगी. ठीक है, तो ये बात सही है, ट्रू है. क्या क्या कंडीशन है? सूट और प्रोसीडिंग होना चाहिए, मॉल प्रॉपर्टी होना चाहिए, नॉट कॉल्यूसिव सूट नहीं होना चाहिए, ये सारी कंडीशंस. रूल ऑफ लिस पेंडेंस एप्लीकेबल टू सूट फॉर स्पेसिफिक पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर द इमॉल प्रॉपर्टी, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. अब कुछ ही क्वेश्चन रह गए, लगभग 30 क्वेश्चन रह गए होंगे, 10-15 मिनट में हो जाएंगे. हाँ जी, आई एम ऑडिबल? यस सर. ठीक है, कुछ ही क्वेश्चन रह गए, लगभग 20-30 रह गए होंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ रूल ऑफ लिस्ट पेंडेंस? पेंडेंसी ऑफ अ सूट प्रोसीडिंग होना चाहिए, पेंडेंसी इन द कॉम्पिटेंट कोर्ट, सूट मस्ट नॉट बी कॉलिजिव होना चाहिए. आंसर ये होगा. ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ कर रखी है इन्होंने. एलिनेशन मस्ट अफेक्टेड द राइट ऑफ अदर पार्टी. ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट पेंडेंस एम्बेडेड इन द सेक्शन 52 ऑफ द टीपीए पर्टेनिंग टू, किससे संबंधित है? बोनाफाइड परचेज से, ऑक्शन सेल या पब्लिक पॉलिसी? हाँ जी, पब्लिक पॉलिसी. पर्टेनिंग टू पब्लिक पॉलिसी है. ठीक है, the object of principle of lis pendens is to only maintaining the status quo, only restraining the further litigation, or further yathasthiti banaye rakho. Kis pe adharit hai? only restraining creation of new facts during the litigation. वैसे तो दोनों apply हो रहे हैं, a भी apply हो रहा है, b भी apply हो रहा है, और c भी. only restraining further litigation. ठीक है, to avoid the multiplicity of the suit. ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका डी. द रूल ऑफ लिस पेंडेंस अप्लाइज व्हेन द सूट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, किस किस पे अप्लाई होगा?
is fraudulent. Indirectly incursion is pending between the two person. One of them sells the property is pending the court which does not have jurisdiction. When the suit is which right to mobile properties. किस पे अप्लाई होगा बताइए क्या आंसर ठीक होगा फ्रॉडुलेंट वाला तो 43 क्या नाम है 53 हो गया डायरेक्ट इनकोशन इज पेंडिंग इन द कोर्ट बट डस नॉट हैव ज्यूरिसडिक्शन ज्यूरिसडिक्शन तो होना ही चाहिए स्पेंडिंग बिटवीन टू पर्सन वन ऑफ देम सेल्स अ प्रॉपर्टी ठीक है सी आंसर फॉर एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडिंग द प्रॉपर्टी मस्ट बी कैसी होनी चाहिए मूवेबल होनी चाहिए इमूवेबल अरे इमूवेबल होनी चाहिए 38 के बाद कौन से प्रोविजन है मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर इमूवेबल ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इफ द डिफेंडेंट ट्रांसफर द प्रॉपर्टी द डिक्री कैन बी एग्जीक्यूटेड इन द ट्रांसफर डिक्री कैन नॉट बिल्कुल हो सकती है उसके खिलाफ भी तो ये तो आंसर है ही द प्लांटेड शुड बी अ फ्रेश फाइल अ फ्रेश और नहीं बिल्कुल ठीक है यही अप्लाई होगा ठीक है डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस अप्लाइज वेयर द सूट इज कॉलिजिव होना चाहिए नॉट कॉलिजिव होना चाहिए वेयर द ट्रांसफर इज मेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ये ठीक है वेयर द टाइटल टू मोबाइल प्रॉपर्टी इज इन इश्यू मोबाइल तो होता ही नहीं है वेयर द प्रॉपर्टी सिचुएटेड बियॉन्ड द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट आंसर इज बी ठीक है नाउ द लीज पेंडेंस एम्बेडाइज इन सेक्शन 22 ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट Invalid the transfer of immovable property. Invalid थोड़ी ना करती है during the pendency. Invalid करती है नहीं करती है? हाँ जी. No valid, but it is subject to the decree of the court. इसका आंसर होगा ये bound by the decision of the litigation. Is bar the transfer of property during the pendency. But रोकती भी है. Is bar the transfer of the property. लेकिन कर दिया गया है तो is only enact that the purchaser pendency light suit is bound by the result of litigation. यही है. Is protect the right of collusive transfer. तो आंसर होना चाहिए बी एक बार देख लेते हैं वैसे तो सी भी आंसर है डॉक्ट्रिन सेक्शन लेकिन ये इस पर्पस के लिए बनाया गया इसलिए ट्रांसफर ना की जाए पर्पस इसका यही है द डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस इज एप्लीकेबल ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग आफ्टर During the pendency, doctrine of lease pendency would apply against the defendant who has transferred the immovable property from the date of consideration, date of filing of the plaint, service of notice, appearance before the court, hearing. बताइए क्या आंसर होगा? Filing. कहाँ दे रखा है? Explanation में दे रखा है ना? अरे याद है भूल गए? Yes, sir. एक्सप्लेनेशन में कमेंसमेंट की बात करी गई है और कब तक कंटिन्यू रहेगा आई होप यू कैन रिकॉल माइंड में डालो याद करो ट्रांसफर प्रॉपर्टी पेंडिंग सूट देयर टू द ट्रांसफर शैल बी ट्रांसफर प्रॉपर्टी पेंडिंग सूट देयर टू द ट्रांसफर शैल बी वॉइड होगा अफेक्टेड बाय द डिग्री ऑफ द कोर्ट या आपका इलीगल है इंफ्रक्शस है तो बी होगा आंसर एक बार देख लेते क्या था बी अफेक्टेड बाय द डिक्री ऑफ द कोर्ट कोर्ट का जो डिसीजन होगा उससे प्रभावित होगा वो मान्य होगा मानना पड़ेगा पार्टीज को जिसने प्रॉपर्टी परचेज करी है नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस अप्लाइज वेयर द सूट इज नॉट कॉलिजिव होना चाहिए द ट्रांसफर इज मेड आफ्टर द डिक्री ऑफ द ट्रायल कोर्ट बट बिफोर द फाइलिंग ऑफ एन अपील Transfer is made after the decree of trial court, but before the filing of an appeal. Right to movable properties in question. The property situated outside the territorial lies where the transfer is made. Transfer is made after the decree of trial court, but before the filing of an appeal. ये वैसे तो देखो ये question complicated है, लेकिन यहाँ पे लिखा before the filing of appeal. जब appeal में matter गया है. अपील में मैटर गया तो उस दौरान अगर हम ट्रांसफर कर देंगे लिस्ट पेंडेंस अप्लाई होगा नहीं होगा हाँ जी बिल्कुल अप्लाई होगा क्योंकि अभी तो पेंडिंग है ना अपील इमोल पे अप्लाई नहीं होता ठीक है आंसर इज बी आई होप यू आर लिसनिंग ऑप्शन देखो ना ऑप्शन क्या कह रहे हैं एक तो सूट कॉलिजिव है यहाँ तो हो ही नहीं सकता नॉट कॉलिजिव होता तो अप्लाई होता
सी देखो, राइट टू मोल प्रॉपर्टी वहां तो अप्लाई नहीं होता, इमोल पे होता है। प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, यानी कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है, ठीक है, ये भी घट गया। तो कॉम्पिटेंट कोर्ट होनी चाहिए थी, मैटर मस्ट बी पेंडिंग बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट। सी, अब ये बी जो बच रहा है ना, यहाँ कह रहा है ट्रांसफर इज मेड आफ्टर अ डिक्री, कोर्ट का डिसीजन आ तो गया है बट बिफोर फाइलिंग फाइलिंग ऑफ एन अपील, यानी अभी अपील का टाइम पीरियड बचा है। जब अपील का टाइम पीरियड बचा होता है ना, तो उस दौरान भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अपील का टाइम पीरियड खत्म हो गया, लिमिटेशन एक्ट बार्ड कर देगा, अब अपील फाइल नहीं कर सकते, देन लिस्ट पेंडेंस अप्लाई नहीं होगा, ये कहना चाह रहा है, ठीक है यामिनी? तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। वैसे तो ये पहली लाइन बिल्कुल आपको दिमाग को हिला देगी, जो पहली लाइन है ना, आप कहोगे अरे द ट्रांसफर इज मेड आफ्टर अ डिग्री, ये तो आंसर गलत है। लेकिन अब जब नीचे की लाइन पढ़ोगे ना, तो यू विल गेट योर आंसर, बट उसी को समझ में आएगा जिसने बेरेट को पढ़ा होगा, ठीक है? आई होप समझ में आ गया होगा। लिस्ट पेंडेंस इज नॉट एप्लीकेबल टू सूट और प्रोसीडिंग विच इज, अरे कॉलिजिव पे अप्लाई नहीं होता, सिंपल सा है, नॉट कॉलिजिव होना चाहिए। अ सेटलमेंट मेड टू डिफीट एंड डिफ्रॉड द क्रेडिटर इज वॉइडेबल अंडर विच सेक्शन, और ये सिंपल सा है बिल्कुल, 53 फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। अंडर विच सेक्शन ऑफ द टीपीए, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर इज डिफाइंड सेक्शन 53, इनों में तो कोई लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं है। विच सेक्शन ऑफ द टीपीए बार्स फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर, मना करता है, देखो सीधे सीधे सिंपल क्वेश्चन पूछ रखे हैं। नाउ एवरी, बिहार में आए हुए इतने आसान क्वेश्चन, यूपी और बिहार, एवरी ट्रांसफर इन मॉल प्रॉपर्टी मेड विद द इंटेंट टू डिफीट द क्रेडिटर्स ऑफ ट्रांसफर इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ, किसके वॉइडेबल पे होते हैं, क्रेडिटर के पे। क्रेडिटर चाहे तो केस फाइल कर देंगे टू सेटिंग असाइड द ट्रांसफर, याद है कई जगह आया हुआ ये क्वेश्चन। नाउ पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ इमोल प्रॉपर्टी इज कंप्लीटेड कंटेम्पलेटेड सॉरी अंडर विच सेक्शन, किस सेक्शन में बताया गया पार्ट परफॉर्मेंस, कब एड हुआ था पार्ट परफॉर्मेंस, 1929। डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस कैन नॉट डिफीट द राइट ऑफ ट्रांसफर फॉर वैल्यू, ग्रेटिशियस ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ द वैल्यू इफ ही हैज नोटिस, इफ ही हैज नो नोटिस आना चाहिए, ठीक है, ट्रांसफर द वैल्यू एंड ट्रांसफर फॉर वैल्यू विदाउट नोटिस, ठीक है, आंसर इज डी। जब नए ट्रांसफर वाले को ये नहीं पता कि भाई ऐसा कुछ हुआ है, तो उसका राइट प्रोटेक्ट किया जाएगा, आंसर इज डी। व्हाट एक्ट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट पार्ट परफॉर्मेंस, कौन सा नहीं करता है डिलीवरी ऑफ पोजेशन, एक्ट डन इन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एन अनइक्विवोकल एक्ट विच इज रेफरेबल टू नो अदर कॉन्ट्रैक्ट देन एलिज्ड एक्ट इंट्रोड्यूक्टरी और प्रीवियस टू द एग्रीमेंट, बताइए क्या है इसका आंसर, acts introductory, delivery of possession does not constitute part performance, delivery of possession तो होना चाहिए, act done in performance of the contract बिल्कुल ठीक है, ये दोनों बातें ठीक है, an unequivocal act which is referable to no other contract than alleged, act introductory and to previous to the agreement, यही हो सकता है इसका, क्योंकि ऊपर के तीन तो हैं, does not लिखा है यहाँ पर। हमने ऑलरेडी पढ़ा है ना पार्ट परफॉर्मेंस में हम किस चीज को प्रोटेक्ट करते हैं, जो ऑलरेडी पोजेशन हो चुका है, पोजेशन को रिटेन करने के लिए बनाया गया है, ठीक है, और विलिंगनेस होनी चाहिए परफॉर्म करने की, विच इज नॉट इंग्रेडिएंट ऑफ सेक्शन 53 ऑफ टीपीए, एग्रीमेंट फॉर ट्रांसफर बिल्कुल ठीक है, कंसिडरेशन होना चाहिए, ट्रांसफर हैज परफॉर्म्ड दिस पार्ट, ठीक है, मोबल प्रॉपर्टी नहीं है। Provision of 53A of TPA, the right of the following transfer for consideration shall not be affected. Who is a gratuitous transfer? Who has notice of the note? Who has no notice? Bona fide होना चाहिए ना, जो subsequent transfer ही है, उसको notice नहीं होना चाहिए कि already कब्जे में कोई है। I hope समझ आ रहा होगा, मैं बहुत जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि wind up करना है, क्योंकि एक्चुअल नोटिस होता है अगर ऑलरेडी कोई पोजीशन में और उसके बाद भी वो खरीद रहा है, तो उसको कानून नहीं प्रोटेक्ट करेगा। सी आंसर है इसका, वैसे खत्म ही होने वाले हैं, 7-8 भी बचे हैं। ओके नाउ टू अप्लाई द डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस लेड डाउन इन सेक्शन 53A, द
The transferee must be always ready and willingness to discharge is part of the obligation under the contract. बिल्कुल ठीक है. The contract must be in writing. बिल्कुल ठीक है. Sign, writing, सब चीज होनी चाहिए. All the contract must be for value, non gratuitous. ठीक है. Answer is D. तीनों चीजें होनी चाहिए. No right of action is conferred on the transfer in the possession under an unregistered contract for sale. Which section of the TPA contains this principle? No right of action is conferred on the transfer in the possession under an unregistered contract of sale. अगर unregistered है, that means sale है तो registered होनी चाहिए. 2001 के बाद तो registration compulsory कर दिया गया है, तो answer is D. For part performance of the contract which is not an essential ingredient, कौन सा essential ingredient नहीं है? Contract to transfer immovable property ठीक है. Contract is in writing, sign भी होना चाहिए. ट्रांसफर इज इन पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी बिल्कुल ठीक है. ट्रांसफर हैज पेड फुल कंसीडरेशन. अरे फुल की तो बात हो ही नहीं रही, पार्ट की बात हो रही है तो ये नहीं होगा. विच वन इज नॉट एसेंशियल फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ परफॉर्मेंस, कौन सा एसेंशियल नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर कंसीडरेशन होना चाहिए. मस्ट बी फॉर मूवेबल, ये नहीं होना चाहिए, इमूवेबल होना चाहिए. राइटिंग साइन, ट्रांसफर मस्ट हैव रिसीव्ड द पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी ठीक है. Now transferee of the part performance the right to protect this possession, अपने right को protect करेगा. Right to protect this possession, wrong. Right can accrue only after the payment of full consideration. सही है, बिल्कुल ठीक है. Transferee जो है जिसको हमने possession दे दिया गया है उसके पास अधिकार होता है. It is for retaining the possession, not for gaining the possession. ठीक है, recovery of possession के लिए नहीं बना, बट जिसको ऑलरेडी पोजीशन दे दिया गया है वो अपने पोजीशन को रिटेन करने का अधिकार रखता है, उसको एविक्ट नहीं किया जा सकता. अभी कुछ बचे हैं यहाँ पर, बस चार क्वेश्चन और बचे हैं, बस कर लेते हैं इनको जल्दी से. द डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस अंडर ट्रांसफर प्रॉफिट डज नॉट अप्लाई टू ओरल कॉन्ट्रैक्ट पे अप्लाई नहीं होगा, सराउंडिंग चेंबर पे भी नहीं होगा, मोबल हो गई, इफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ ग्रास. तो आंसर इज डी, लॉजिकल है. Under the TPA, which one of the following is not correctly matched? कौन सा नहीं है? बिल्कुल correctly matched है, part performance correctly है, fraudulent transfer है, list pending. अरे सारी सही है. अच्छा अच्छा ये B है यहाँ पे, ये गड़बड़ कर रखी है. तो answer is B. And easement is extinguished. Easement क्या खत्म करती है? Only when either the dominant or the servant heritage is completely destroyed. Only when the same person become entitled to the absolute ownership of the whole of the dominant or servant heritage. चलो वैसे easement से संबंधित है, but फिर भी कर लेते हैं, या दोनों A और B. Answer C दे रखा है, एक बार देख लेते हैं क्या है. An easement is extinguished only when either the dominant or servant heritage is completely destroyed. ठीक है, easement right तब खत्म हो जाएगा, अब दोनों चीज खत्म हो जाएगी. Either the dominant or servant heritage. Only when the same person became entitled to absolute ownership. चलो easement की जब बात करेंगे तब हम देख लेंगे इसको. Last देख लेते हैं. Match list 1 with 2. Condition restraining section 10, agreement to sale. Sale, fraudulent transfer. देखो agreement condition restraining 10 हो गया. Agreement to sale क्या होता है? Right and RAM होता है, persona होता है. राइट इन परसोना होता है और सेल राइट इन रैम. फ्रॉड इन ट्रांसफर 53, हम मैच करके देख लेते हैं. ए का आना चाहिए 2, ए का आना चाहिए 2, ए की जगह दे रखा है सी, तो सी आंसर होगा. ठीक है, ओके गाइस, तो ये हमारे खत्म हो जाते हैं, ये हमारे खत्म हो गए हैं. अब इसके बाद हम 53 ऑनवर्ड्स के ही एमसीक्यू करेंगे. ठीक है, जस्ट वेट, और कल हम करेंगे फिर 54 ऑनवर्ड सेल्स. लेट्स प्रोसीड फर्दर, उसके बाद हम देखेंगे जो भी चीजें होंगी.